फटाफट शेयर कर दीजिए स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी फटाफट शेयर करिए सब जगह पर। स्टार्ट करेंगे हम जल्दी से जल्दी। फटाफट ज्वाइन हो जाइए सब लोग। आई एम गोइंग टू शेयर द पीपीटी और लास्ट विजन है हमारा। 7 o'clock तक ये क्लास चलेगा, उसके बाद we will see कि अगर कुछ बचा होगा तो definitely we'll cover in the morning और late in the evening। वैसे idea ये है कि आज आप लोग को सोने का पूरा मौका दिया जाए, आज आप लोग सो जाएं आराम से, घर वालों से बात करना आज, आज ज्यादा मत पढ़ना, ठीक है? Okay. चलिए, आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विद यू गाइस। There are certain things that we have done already and ठीक है। Okay. Am I audible guys? अभी तक जितना भी हम completely revise कर चुके हैं पूरा अपना जो भी syllabus था अब तक का, और एक video हमने एनलैट के लिए किया था जिसमें हमने बिग बुल ब्लास्टर 1 को पूरा कवर किया था। आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर पूरा देख लिया होगा, ठीक है? यस, क्लास रिज्यूम हो रही है बेटा, जो अभी पहले हुई थी, अभी जो पहले क्लास चल रही थी, अनफॉर्चुनेटली कुछ इशू की वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से वो क्लास ओवर करना पड़ा था हमें बीच में। सो जल्दी जल्दी यस, खाना तो खा लिया बेटा। मॉस के लिए एलोकेट जो लैंड हुआ है वो आपका अयोध्या में ही हुआ है, ठीक है? जल्दी से फटाफट सब जगह पर शेयर कर दीजिए सो दैट कि हम लोग आगे बढ़ सके अभी। ओके, ऑडिबल ऑडिबल ऑडिबल, गुड जॉब। चलिए फटाफट जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। हम शुरू कर रहे हैं फटाफट लेक्चर को जल्दी से जल्दी। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट हमें करना था। बिल्कुल, अभी हम काफी कुछ कर चुके हैं, फाइनल रिवीजन। हेलो हेलो हेलो, चलिए जल्दी से फटाफट फटाफट सब लोगों को जोड़ दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, ओके वत्सल, आई ट्राई माय बेस्ट। 7 बजे ब्रेक मिल जाएगा, 7 बजे 7 o'clock तक क्लास ये चलने वाला है, ठीक है? 7 o'clock तक क्लास चलने वाला है, उसके बाद जो है थोड़ा हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो हम कल सुबह 8 से 10 करने वाले हैं। 8 से 10 कुछ नए टॉपिक हैं बेटा, वो कल सुबह हम करेंगे, ठीक है? क्योंकि मैंने उनका लिस्ट बनाया है, कुछ बच्चों ने भेजे हैं मुझे। जल्दी से फटाफट ज्वाइन हो जाइए सब लोग सुपर फास्ट। ओके, जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाओ भैया फटाफट। लेट अस स्टार्ट।
Shall we start? We have 70 people. रात में कर लो सारा तो ये रहे हैं. सब स्टार्ट हुआ था. कुछ नहीं हुआ क्या? अभी कुछ नहीं स्टार्ट हुआ है. सब मॉर्निंग में मत कर. ठीक है. We'll try to make a class today. आज रात को ही क्लास करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. विल ट्राई माई बेस्ट. ओके 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 ओके. सो वी हैव इनफ पीपल टू स्टार्ट. वी हैव 90 पीपल सो वी कैन स्टार्ट. ओके चलिए. नगर वन स्कीम हम कर चुके थे. इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट हम बात करते हैं. इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट आपकी एक सामने आई है बेटा. आई एस एफ आर इज अ बाय एनुअल पब्लिकेशन ऑफ द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया. बाय एनुअल है. बाय एनुअल का मतलब दो साल में एक बार आती है. एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. आई एस एफ आर की जो रिपोर्ट है 2019 में आई है. इसके अकॉर्डिंग इंडिया का 1/4 पार्ट क्या है आपका लगभग यहाँ पर या तो फॉरेस्ट है या फिर आपका यहाँ पर पेड़ पे आपके जो मतलब हमारे जो पेड़ हैं या तो वो है 24% पार्ट पर इंडिया के या फिर आपके टोटल क्या है आपके या फिर आपका पूरा फॉरेस्ट यहाँ पर आ जाएगा. अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1988 में आई थी उसके अकॉर्डिंग आपका 33% होना चाहिए. उससे अभी हम लोग नीचे सबसे अधिक एरिया एरिया वाइज देखें तो मध्य प्रदेश में. परसेंटेज वाइज देखें तो आपका मिजोरम का हरियाणा के पास आपका सबसे कम क्या है आपका लीस्ट फॉरेस्ट कवर. तो आपको इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में याद रखना है. इसके सर्टेन फैक्टर मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा आपके जो टाइगर्स हैं वो भी कहाँ पर है आपके मध्य प्रदेश के अंदर. मध्य प्रदेश में आपके सबसे अधिक टाइगर्स हैं. ठीक है चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं. इसके बाद अपने पास नेक्स्ट है अपने पास क्या है भारतमाला प्रोजेक्ट. भारतमाला प्रोजेक्ट की बात करें तो अमृतसर इंक्लूडेड इन द दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे. आप इसको ध्यान से समझिए. पहले आपका एक सपना था किसका आपके अटल बिहारी वाजपेयी का कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बने. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है ये है आपका मुंबई दिल्ली चेन्नई मुंबई दिल्ली चेन्नई कलकत्ता आपस में अटैच रहे आपके. इसको हम गोल्डन कॉरिडोर आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. और एक आपका रोड बनेगा कहां से आपका गुजरात से लेकर ऐसे रोड जो आपके श्रीनगर तक और आपके हरियाणा दिल्ली आपका बहुत सारे पार्ट में यानी कि कलकत्ता तक आपका एक ऐसा रोड आपका बने जो आपका इसकी सिमिलैरिटी में बने मतलब कि और जगहों को भी आपका हाई स्पीड कॉरिडोर से कनेक्ट किया जाए. ये क्या आपका भारतमाला प्रोजेक्ट. इसमें लेटेस्ट किसको एंट्री मिली आपके दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे को. ठीक है और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे आपका ये बनेगा. टोटल कॉस्ट ऑफ भारतमाला प्रोजेक्ट इज 60,000 करोड़. भाई 60,000 करोड़ का कोई भी प्रोजेक्ट है तो आपका इंपॉर्टेंट हमेशा आपके लिए रहने वाला है. ठीक है चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं. इसके अंदर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने अपना रिपोर्ट अभी निकाला है. NTCA की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपका 750 टाइगर्स की डेथ हो गई है पिछले 7 साल के अंदर और आपके पिछले 4 साल में 750 टाइगर्स वैसे आपके इंक्रीज भी हो गए. सबसे अधिक टाइगर कहां पर आपके मध्य प्रदेश के अंदर यानी कि आपके MP के अंदर. ठीक है क्लियर. और आपके मध्य प्रदेश का जो आपका ग्वालियर चंबल का रीजन है उसके अंदर आपका वर्ल्ड बैंक लोन भी दे रहा है ताकि उसको क्या बनाया जाए आपका कल्टीवेबल वहां पर बनाया जाए. ठीक है आत्मनिर्भर भारत हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. वी आर नॉट to discuss this स्वनिधि इकोनॉमिक पैकेज फॉर ट्रेंच ये सब कुछ है. इसके अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह ये हम पिछली क्लास में अपना पूरा कवर अप कर चुके हैं. ठीक है राइट. G7 भी हम कवर कर चुके हैं. G7 का हिस्ट्री हम देख चुके हैं. G20 कंट्रीज को हम देख चुके थे आपका टर्की स्ट्री अच्छा ये टर्की ग्रीस स्टैंड ऑफ जो है. एक मिनट लेट मी शेयर द न्यू स्क्रीन विद यू गाइज. अभी मैं आपके साथ एक नया स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. एक नया स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ अभी. Just wait a minute. चलिए फटाफट जल्दी से जल्दी देख लेते हैं इस केस को. इटालियन मरीन केस हम लोगों ने देखा था कि इटालियन मरीन केस है भैया आपके भारत के दो आपके लोगों को गोली मार दी गई उनको पायरेट समझ के. पायरेट किसने समझा अपने को आपके इटली के लोग आपके इटली के दो आपके इटली के दो व्यक्ति थे भैया. 2012 के अंदर इंडियन पुलिस ने दो इटालियंस को आपका क्या किया डिटेन किया. यहां पर दो लोग थे एक आपका मेसी मिलानो और एक आपका सेल्वा. मेसी मिलानो और सेल्वा आपके दो लोग थे मेसी मिलानो और सेल्वा और इन लोगों ने क्या किया आपके दो भारतीयों को गोली मार दी ये समझ के कि आपके पायरेट्स हैं. अब भारत और आपका इटली जो है इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था. इंडिया के अंदर आपका इटली से नाराज भी होता फिर उसके बाद आपका इटली कहां पर पहुंच गया आपका इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी सीकिंग फॉर द टू इटालियन मरीन्स टू स्टे इन देयर ओन कंट्री की भैया इनको यहीं पर लेकर आ जाए. फिर पर्सनल रीजंस की वजह से इनको क्या मिल गई आपकी कंडीशनल बेल भी यहां पर दे दी गई थी. ठीक है अब आपका जो जो फाइनल डिसीजन इसके ऊपर आया एनरिका लेक्सी केस के अंदर 2015 के अंदर बोला गया कि इटली और भारत अपनी अपनी जगह पे जो केस चल रहा है उसको क्या कर दें
दें, बंद कर दें, हम खुद से देख लेंगे. द ट्रिब्यूनल हेल्ड दैट एक्शंस ऑफ द इटालियन मरीन ऑफिसर ब्रीच द इंडियाज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन अंडर अनक्लोज. भैया आपके चाहे वो पायरेट थे या नहीं थे, बट उन लोगों का अपने एरिया के अंदर घूमना बनता था जिनको आपने गोली मारी थी. अनक्लोज ने आर्टिकल 87 सब क्लोज 1 और सब क्लोज 1 का आपका हवाला देते हुए और 90 का हवाला देते हुए बोला कि भैया आपका जो गलती है वो किसकी, आपके इटालियन मरीन्स की, ठीक है. द ट्रिब्यूनल ऑल्सो हेल्ड दैट इंडिया इज एंटाइटल्ड फॉर द पेमेंट. इन्होंने बोला कि भैया इंडिया को पेमेंट मिलनी चाहिए, जिन लोगों की डेथ हुई वो आपका गलत हुआ तो इटली उनका पेमेंट यहां पर करे, ठीक है. अब इंडिया के फेवर में क्या गया आपका, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हैज पब्लिश एन एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ द फाइनल अवार्ड ऑफ द एडहॉक ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड टू सेटल डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द अनक्लोज, ठीक है, रिगार्डिंग इंडिया एंड इटली, ठीक है. इंडिया हैड कॉल्ड फॉर द हमने क्या बोला कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का रोल ही नहीं है, बट आपके अनक्लोज में जो आपके जज लोग बैठे थे 416 को रूल डाउन कर दिया कि भाई इनका क्या रहेगा, जुरिसडिक्शन रहेगा कि इनका जो फैसला होगा वो भारत को भी मानना पड़ेगा, ठीक है. इटालियन पोजिशन दैट मतलब इटली की बात मानी गई कि हाँ अनक्लोज और आपका जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उस पे फैसला दे सकता है. भारत की बात मानी गई क्या, भारत की बात क्या मानी गई कि भैया इन लोगों को कंपनसेशन मिलना चाहिए और इन लोगों ने गलत किया, ये कन्विक्ट हो चुके हैं आपके. अब आपका जो भारत को आपके इटली ने क्या दिया आपका आश्वासन कि इनके अगेंस्ट एक्शन होगा, ठीक है. ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि आपका क्रीक लाइन क्या बेटा, आपका क्रीक लाइन क्या है आपका, मैंने आपको बताया था कि एक लाइन है जो भारत है, भारत क्लेम करता है 1925 का, आपका एक मिड लाइन चैनल को, और आपका ये 1914 की बात करते हैं कि भैया आपकी मुंबई की रियासत और आपका जो सिंध प्रांत है उसके बीच में जो अग्रीमेंट हुआ था. पाकिस्तान क्या है आपका, क्रीक लाइन को ऑब्जर्व नहीं करता. थेल्वेक प्रिंसिपल क्या बोलता है, इफ द चैनल इज नेविगेबल तो आपका दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. एग्रीकल्चर सेक्टर के रिफॉर्म हुए इंडिया के अंदर, एग्री सेक्टर रिफॉर्म, ये बहुत लोग बोल रहे थे कि सर करा दीजिए. 65% भारत की जो पॉपुलेशन है डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, आपके एग्रीकल्चर पे, ठीक है. बट टोटल जीडीपी कितना देते हैं लोग, 18%, यानी कि यहाँ पर ओवर आपके लोग भरे हुए हैं एग्रीकल्चर के अंदर. ये तो एक रियलिटी है, ठीक है, बट सरकार भी इसकी जिम्मेदार है. यहाँ पर एक्ट आया आपका पहला एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट. एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का मतलब ये है कि भैया पहले जो सरकार था कि सरकार बोलती थी कि आपका भंडारण यानी कि आप स्टोरेज नहीं कर सकते ज्यादा समय तक, बट अब क्या किया सरकार ने, बोला कि आप भंडारण कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप कितना ही कोल्ड स्टोरेज में अपना माल दबाकर रख सकते हैं ताकि इसके अंदर आपका कमर्शियलाइजेशन आना शुरू हो जाए, ठीक है. द इंपोजिशन ऑफ द कर्व्स ऑन स्टॉकिंग ऑफ फार्म प्रोड्यूस एंड इसको पहले बंद था बट अब सरकार ने फिर से इसको चालू कर दिया, ठीक है. अमेंडमेंट वुड डीरेगुलेट द कमोडिटीज यानी कि सीरियल एडिबल ऑयल सीड पल्सेस ऑनियन एंड पोटैटोज, कि आपका मर्जी है, आपको आलू अपने पास रखना है कि अभी अगर सस्ता है तो आप अपने पास रख लीजिए, जब महंगा होगा तब होगा. बट आप खुद सोच कर देखिए कि किसान के पास इतना उसके पास कैपिटल होगा कि वो उसको कोल्ड स्टोरेज में लगा सके, नहीं. यहाँ पर आपके धन्ना सेठों का फायदा यहाँ पर देखा जा रहा है. इसके अंदर एसेंशियल कमोडिटी द अनाउंस अमेंडमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प बोथ फार्मर एंड कंज्यूमर, मतलब फार्मर और कंज्यूमर दोनों को मदद मिलेगा, ये सरकार का बोलना है. बट पता नहीं कैसे मिलेगा, क्योंकि फार्मर को तो फायदा नहीं होगा अगर उसका माल आपने सस्ते में ले लिया और उसको कोल्ड स्टोरेज में लगा दिया, और फिर आगे जो हमारे जैसे लोग अगर कोई शहर में बैठा वो खरीदेगा तो भैया उसको महंगा ही वो चीज मिलने वाला है, ठीक है. और बीच में जो मिडिल मैन आएगा वो यहाँ पर पैसा आपका खा जाएगा. एक जगह पर सरकार मिडिल मैन लेकर आ रही है, एक जगह पर मिडिल मैन को हटा भी रही है, ठीक है. अब देखो नेक्स्ट है फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि जो आपने किसान ने अपना सामान किसान ने कोई भी आपका फसल अपनी प्रोड्यूस करी है ना, किसान अगर फसल को प्रोड्यूस करके आया है तो उसका मन है अब वो किसी को भी वहां पर जाकर बेच सकता है, मतलब कि आप अपनी मंडी में. अब ऐसा है कि आपका जो किसान है वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, अगर एक आपका मिडिल ऐसा मान के चलो कि अगर छोटा सा किसान है तो वो आपका आसपास के राज्यों में बहुत ही मुश्किल चांस होता है कि वो आपका जा पाए, बट अगर वो किसान जा भी पाएगा वहां पर तो आप कुछ सोचकर देखिए कि ज्यादा फर्क इनको नहीं पड़ेगा. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह सारे यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर भी आपके जो ट्रेडिंग से रिलेटेड चीजें हैं, यानी कि अगर कोई आपका ऐसा व्यक्ति है जो अनाज जाकर बेचना चाहता है शहर के अंदर और वो अमीर आदमी है, वो अपना यहाँ पर किसानों से चीजें खरीद सकता है, ठीक है. यहाँ पर एमएसपी का रोल भी डिफाइन नहीं किया गया. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर बेटा आपका बेनिफिट्स ऑफ द अमेंडमेंट. इट विल क्रिएट एन इकोसिस्टम वेयर द फार्मर्स एंड ट्रेडर्स वुड एंजॉय द फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ सेल. भाई ऐसा बोला गया कि आपका जो फार्मर है ना वो अपना खरीदना बेचना सारा काम अपना यहाँ पर कर सकता है और उसकी मर्जी है वो किसी को भी जाकर बेचे, सिर्फ आड़ती को ना बेचे भैया आपका, आप किसी को भी जाकर अपना सामान बेच सकते हो. इट विल ऑल्सो प्रमोट बैरियर फ्री इंटर स्टेट ट्रांसफर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है. क्लियर इतना? ओके, सॉरी.
अच्छा अब सरकार क्या बोल रही है, सरकार का प्रस्पेक्टिव क्या है, किसान किस बात पे नाराज है सबको बताओगे। इट विल ओपन मोर चॉइसेस फॉर द फार्मर, रिड्यूसिंग मार्केटिंग कॉस्ट फॉर द फार्मर्स एंड हेल्प देम गेटिंग द बेटर प्राइसेस। अब ये भी बोला गया कि किसान अपनी खड़ी फसल को बेच सकता है ऑलरेडी, कि उसका मन है कि भैया मेरे को तो खड़ी खड़ाई फसल ही बेचना है, मेरे को फालतू के झंझट में फंसना ही नहीं है, तो आपका जो व्यापारी होगा वो आपकी फसल को खरीद लेगा। इट विल सप्लीमेंट द एग्जिस्टिंग मिनिमम सपोर्ट। अब ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर मिनिमम सपोर्ट तो है ही है, अगर कोई उससे ऊपर दे रहा है तो भैया फायदा ही आपके किसान का, बट इसका इम्पैक्ट जो होगा वो आपके नॉन फार्मर लोगों के ऊपर ज्यादा होगा। इट विल ऑल्सो हेल्प फार्मर ऑफ रीजन विद सरप्लस प्रोड्यूस। अब जैसे ये बात तो सही है कि सरप्लस प्रोड्यूस जो है आपका पंजाब में हरियाणा में गेहूं आपका ज्यादा हुआ, और अगर आपको बेचने के लिए आना राजस्थान में तो आपका थोड़ा सा सामान अगर महंगा बिक जाएगा, आपकी फसल महंगी बिकेगी, तो भाई आप बेचोगे, आपका वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट इकोनॉमी आपकी आ जाएगी। इसमें भी जो बड़े किसान है उनको बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा, जो छोटा किसान है उसको इतना फायदा नहीं है बेटा इसके अंदर, ठीक है। ओके देख लो फटाफट, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन बिल, अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू स्मॉल होल्डिंग ऑफ द साइजेस। आपका मतलब छोटे छोटे हिस्से होते हैं आप लोगों के पास, तो यहाँ पर क्या किया गया, इसके लिए क्या किया गया कि प्राइस अश्योरेंस यानी कि इट मेक्स एग्रीकल्चर रिस्की इनएफिशियंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ इनपुट एंड आउटपुट, इट एम्पावर द फार्मर्स। इसने क्या किया कि डायरेक्टली जाकर ना आप रिलायंस फ्रेश को अपना अपना खेत का सामान बेच दीजिए, ताकि आपको मेहनत कम करनी पड़े और आपको पैसा ज्यादा यहां पर मिल जाए। तो सीधा मतलब यह है व्यापारियों की मदद करने के लिए आपका यह सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आपका ऑर्डिनेंस यहां पर आपका आ चुका है, ठीक है। फार्मर इसके अंदर और क्या बेनिफिट ऑफ द ऑर्डिनेंस है, इट विल ऑल्सो एनेबल द, ये सरकार बोल रही है इससे ऐसा कुछ वैसे होने नहीं वाला है, इट विल ऑल्सो एनेबल द फार्मर टू एक्सेस मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब रिलायंस फ्रेश आया आपका वहां आकर आपको बोल रहे हैं कि आपकी सब्जी जो है उसको हम ढंग से लगाएंगे, यहाँ पर आपको अच्छे इक्विपमेंट देंगे, ये सब कुछ आपका यहाँ पर हो सकता है, ऐसा सरकार का मानना है। इट विल अट्रैक्ट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। अब ऐसा है कि भैया सरकार के, एक बात तो सरकार की सत्य है कि सरकार ने रूल्स एंड रेगुलेशन इतने टफ बना रखे हैं कि कोई भी व्यापारी आपके किसान के साथ एंगेज होने से डरता है, तो उन लोगों को यहाँ पर फायदा पहुंचाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बेटा आपका एनरिका लेक्सी वगैरह सारा केस हो चुका है इसके अंदर, हमने सारा कुछ कर लिया बेटा। एनरिका लेक्सी पहला ही टॉपिक था इस क्लास का, ठीक है। लोकस्ट अटैक, लोकस्ट अटैक भारत के अंदर लोकस्ट अटैक हुआ। अब लोकस्ट की मेन चीज क्या भैया, दो फेस होते हैं, एक सॉलिटरी फेस की अकेला उड़ता है, जब ये एक आपका ग्रीगेरियस फेस, मतलब जब ये लोग इकट्ठे होते हैं तो वायलेंट हो जाते हैं, भूखे हो जाते हैं उस टाइम पर। दे ट्रेवल ग्रेट डिस्टेंस, एक दिन में 150 किलोमीटर ट्रेवल कर लेते हैं इनका एक झुंड, और रास्ते में जो भी मिलेगा उसको सफाचट भी कर सकते हैं। इस समय पर आपका जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका एरिटेरिया जो होती सोमालिया, वो बहुत बुरे तरीके से इनसे अफेक्टेड है। टिड्डी का जो अटैक हुआ, अब टिड्डी क्यों खतरनाक है, जब आई भारत में तब वो एक सही समय था, क्योंकि उस टाइम पर ना आपकी जो रबी की फसलें थी वो आपकी कट चुकी थी, ठीक है। बट इस समय पर अगर ऐसा हो जाता है भैया कि अपना अपनी इनकी जो क्षमता है ना, एक महिला टिड्डी जो है वो एक समय में मतलब अपने जीवन काल में 3 बार अंडे देती है, 80 से 90 अंडे एक बार में, ठीक है। अगर एक टिड्डी आपका 270 अंडे दे रही है तो आप सोचकर देखिए कि इस टाइम पर आपकी खरीफ की फसल है, अगर ये उठना शुरू हो गई तो तबाही मचा देंगी। आपकी जो टिड्डियां हैं इनका जो मेन खास बात होता है कि इनका रिप्रोडक्शन का रेट बहुत ज्यादा तेज होता है, और अपने बराबर अपने शरीर के वजन के बराबर एक दिन में पूरा खाना खा लेती है, ठीक है। इनका काम बेसिकली क्या होता है, सिर्फ खाना, ठीक है, और उड़ना। द न्यूअर जनरेशन मे राइज ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज ऑफ खरीफ क्रॉप, जो अपने लिए डेंजरस होगा। और भारत ने स्प्रिंग मशीन मंगाई है कहां से, आपके यूके से, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, मैंने आपको बताया था, आज मैंने आपको बताया भी था कि 1 लाख से उसको 1 करोड़ बढ़ा दिया गया इंसॉल्वेंसी के लिए। आपका ऐसा हुआ कि भैया सारे ठाकुरों को नुकसान हुआ, मतलब कि जितने भी आपके जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी सब लोगों को लॉस हुआ। कहां पर आपका बेटा, COVID-19 के अंदर। तो इसमें आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी के अंदर क्या किया गया, आपका अमेंडमेंट किया गया कि आपके जो इंसॉल्वेंसी है वो आपका थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। बट इसमें सरकार का लॉजिक ये है कि जो आपके 25 से पहले 25th of March से पहले आपके लोग पेमेंट नहीं कर रहे थे उनको आप डिफॉल्टर ही करार दोगे, उनके लिए कोई और मैकेनिज्म आपका नहीं आने वाला है, विच इज अ रॉन्ग थिंग, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी के अंदर कंपनीज जो है, सबको पता है कि नुकसान हुआ है, एनपी आपका बढ़ चुका है, तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, आपका अमेंडमेंट किया कि 1 लाख की बजाय अब 1 करोड़ से ऊपर वाली कंपनीज को हम क्या करेंगे, आपका इंसॉल्वेंट कोई आती है तो, ठीक है। चलिए इधर देखते हैं फटाफट नेक्स्ट।
नेक्स्ट देखते हैं बेटा आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है भैया, मैंने समझाने का एक नया तरीका ढूंढा है बच्चों को कि भैया मैं ऐसे पढ़ाने वाला हूं, तो फिर वो मेरा तरीका बन जाता है। ठीक है, मैं उसको कॉपीराइट करा सकता हूं, मैंने नोट्स बना लिया आप लोगों के लिए, तो वो फिर मेरे नोट्स हो गए, उनको कोई और कोचिंग प्रिंटर नहीं करा सकता। इसी प्रकार आपका दिमाग अगर कोई लीगल सोल्यूशन निकाल दे कि भैया आपका मन है कि आपने कोई रिसर्च काम करना शुरू कर दिया, कि ठीक है सारे प्रेसिडेंट आपने फाइनेंस से रिलेटेड एक जगह पर डाल दिए और आपने उन सबसे रिलेटेड अपना एक नया प्रोजेक्ट बना दिया, माइक्रोस आपने एक नया सॉफ्टवेयर बना दिया कि आपका फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई भी लीगल डिस्प्यूट होता है तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, आप उसमें टाइप कीजिए अपने कीवर्ड्स और आपको सॉल्यूशन वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका इंटेलेक्चुअल माइंड रहेगा। ठीक है, भारत इसमें थोड़ा पीछे ही रहता है, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर इसको निकालता है, 2012 में पहली बार रिपोर्ट आई, भारत 40वें रैंक पे, नंबर 1 पे आपका यूएस इसमें रहता है। ठीक है, वेनेजुएला आपका लास्ट है, ब्रिक्स नेशन में आपका चाइना नंबर 1 पे आता है। भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो पॉलिसी है वो 2016 में आई थी बेटा आपका। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डे 26 अप्रैल को आता है आपका, अटल इनोवेशन मिशन इसके रिलेटेड है, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया सब इससे रिलेटेड है। डेमोक्रेसी इंडेक्स आपको मैं करा चुका हूं ऑलरेडी, आपका ग्लोब आपका जो डेमोक्रेसी है उसमें भारत का रैंक कितना अच्छा नहीं है। इंडेक्स 12th एडिशन ऑफ द इंडेक्स इज रिलीज बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, द इंडेक्स फर्स्ट रिलीज इन 2006, इंडिया हैज बिकम, इंडिया का रैंक कितना है आपका 51st, और इंडिया किसमें आपका इन द कैटेगरी कॉल्ड फ्लॉड डेमोक्रेसी। ठीक है, नॉर्वे नंबर 1 पे, नॉर्वे की पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेज ज्यादा है, इसलिए देश आपके हमेशा आपको नॉर्वे, फिनलैंड ये सब आपको देश ऊपर की तरफ नजर आएंगे। ठीक है, नॉर्थ कोरिया रैंक लास्ट, नॉर्थ कोरिया कहां पर है आपका लास्ट रैंक है क्योंकि वहां पर एक्चुअल में डेमोक्रेसी है ही नहीं। ठीक है, इंडिया प्लेस्ड इन दी फ्लॉड डेमोक्रेसीज में आपको बता चुका हूं। HDI की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है बेटा आपका, एक आदमी था जिसका नाम था महबूबुल हक, जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट था। आपका भारत का रैंक 129 आउट ऑफ 189 कंट्रीज। ठीक है, इसमें नंबर 1 पे कौन है आपका नॉर्वे। ठीक है, और आपका इसके बाद कौन है, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। ठीक है, ओके, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहां पर है आपका, न्यूयॉर्क के अंदर, और बना कब था, 22 नवंबर 1965 को। ग्रेट, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर बेटा। ओके, यूएनडीपी मैं बता चुका हूँ इसमें क्या क्या देखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज एजुकेशन लेवल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसमें गरीबी आपकी चेक नहीं की जाती, पॉवर्टी इज नेवर चेक्ड इन दी यूएनडीपी। एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स, आपके जानवरों की सेवा करने के अंदर, आप सबको पता है कि भारत में जानवरों की सेवा की भी जाती है, कई जगह पर आपके बिल भी आते हैं, एंटी आपके जो काउ से रिलेटेड भी लॉज हैं, आपके बहुत सारे लॉज हैं, बट भारत जो है इसमें तीन, इसमें कोई रैंक नहीं आया बेटा, इसमें आपकी कैटेगरीज है ए, बी और सी। भारत कौन सी कैटेगरी में आएगा आपका, सी कैटेगरी में, ए कैटेगरी में आपका कोई नहीं आया, सी कैटेगरी में इंडिया आया आपका, और बी कैटेगरी में आपका कौन है आपका, यूके, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड, स्वीडन, ये सब किसमें आपका बी कैटेगरी में। नो कंट्री गॉट अ ए स्कोरिंग बैंड, किसी भी कंट्री को ए स्कोरिंग बैंड आपका नहीं मिला। ठीक है, ओके, पीडीएफ मिल, पीडीएफ बेटा ऑलरेडी अपलोडेड है आपका। ठीक है, पीडीएफ आपका ऑलरेडी अपलोडेड है बेटा, पीडीएफ इज ऑलरेडी अपलोडेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हमारे पास है, बस सुपर फास्ट हम लोग रिवीजन कर रहे हैं बेटा, जिन लोगों ने लगातार क्लासे लगाई हैं या जिन्होंने कहीं से भी पढ़ रखा है तो आपका सुपर क्विक रिवीजन की मदद कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी जमीन गवाई थी, उस टाइम पर आपके यंग प्रीस्ट थे, नए नौजवान आपके, और इन्होंने एक आपका भारत का पूरा जो संविधान है उसकी एक प्रकार से आपकी रक्षा हो गई कि भैया फंडामेंटल राइट्स के साथ तो आपकी छेड़छाड़ हो सकती है बट बेसिक स्ट्रक्चर से आपकी छेड़छाड़ नहीं हो सकती। मेरे ख्याल से सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, केशवानंद भारती की डेथ हो गई, इनका थोड़ा सा बैकअप केस बताना था आपको। 1951 में भारत के अंदर पहला आपका 9th शेड्यूल ऐड किया गया। ठीक है, 9th शेड्यूल का मतलब ये था कि 9th शेड्यूल में जो जो चीजें आपकी डाल दी जाएंगी, अगर सरकार उसमें कोई भी चेंजेस करती है तो वो आपका जुडिशियल रिव्यू के अंदर आपकी चीजें नहीं आएंगी। शंकरी प्रसाद अपना केस हार गए, शंकरी प्रसाद के बाद बोला गया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द पार्ट 3, यानी कि फंडामेंटल राइट को भी आपका अमेंड किया जा सकता है। फिर सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का के साथ है, जिसके अंदर आपके सब इंस्पेक्टर थे इनको सस्पेंड कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोला कि भैया आपका जो पार्लियामेंट की पावर है वो सर्वोपरि है। ठीक है, इसमें एक व्यक्ति जो थे एम हिदायतुल्ला, आपके जो
भारत के ऐसे चीफ जस्टिस जो आपके एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे वो आपके अंगेश में थे सरकार के, उन्होंने बोला कि ये चीज गलत है, ठीक है। फिर एक हेनरी गोलकनाथ का केस होता है, इसके पास 500 एकड़ की जमीन थी, पंजाब का आदमी था और इसके भाई के पास भी जमीन थी, और इसको बोला गया कि 30 एकड़ आपका लैंड रहेगा, उसके ऊपर उसके बाद का जो 470 एकड़ की जमीन है ना भाई, वो आपका सरप्लस लैंड ट्रेड किया जाएगा और उसके ऊपर सरकार की मर्जी है, सरकार कभी भी उसमें रेगुलेशन लेकर आपकी आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसके अंदर गोलकनाथ वेंट टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। गोलकनाथ पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, इसने बोला कि भैया आप लोग बोलते हो कि हमें राइट टू होल्ड एंड एक्वायर द प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रोफेशन है, यानी कि मेरा प्रोफेशन क्या, मैं टीचर हूं, ठीक है। किसी का मन करता है वो किसान बनेगा, किसी का मन करता है वो इंजीनियर बनेगा, किसी का तुम्हारा मन कर रहा है तुम लॉ करोगे, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने तो सब समान है, अमीर और गरीब, तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि आप गरीब की मदद करेंगे अमीर को साइड में कर देंगे। दिस लॉ मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज अल्ट्रा वायरस, इसको वायरस डिक्लेयर किया जाए, बट आर्टिकल 368 जो है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला डिफाइन द प्रोसीजर एंड डज नॉट एम्पावर द गवर्नमेंट, आपको इसके अंदर बोला गया कि अमेंडमेंट का प्रोसीजर है आर्टिकल 368 में, सरकार को एम्पावर ये नहीं करता। कोर्ट ने हेल्ड किया दैट एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 इज लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर इफ एन अमेंडमेंट टेक्स अवे और अब्रिजेस द फंडामेंटल राइट, की जो आर्टिकल 368 में क्या लिखा है कि आपका फंडा आपको क्या करना है, आप अमेंडमेंट कर सकते हो, अमेंडमेंट का आपको प्रोसीजर बताया हुआ कि इस तरीके से अमेंडमेंट होता है, बट आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि भैया आपका फंडामेंटल राइट आपका कोई भी यहां पर नहीं ले पाएगा। आर्टिकल 32 में आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर यहां पर जा सकते हो, तो इस लॉ को क्या कर दिया गया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर। तो इसका मतलब ये साबित हुआ कि जो पार्लियामेंट है वो आपका अमेंड नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट को, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली, कोर्ट के सामने केस क्या था, कोर्ट ने बोला कि भाई अब तो हमने डिसीजन ले लिया, इसके बाद जो भी होगा वो आपका एप्लीकेबल होगा कि फंडामेंटल राइट सरकार नहीं ले सकती, बट इससे पहले वाले केसेस में कुछ भी आपका नहीं हो सकता, ठीक है। ओनली डॉक्ट्रिन ऑफ प्रस्पेक्टिव रूलिंग विल बी अप्लाइड आफ्टर दी गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में बोला गया कि प्रस्पेक्टिव रूलिंग ही आपकी हमेशा चलेगी, यानी कि पिछले केसेस का कुछ नहीं होगा, अब आगे का केस आपका यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा आपका केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में, अब केशवानंद भारती की बात करते हैं, इन्होंने केरला का लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन जो है उसको चैलेंज किया। इन्होंने बोला कि गोलकनाथ केस में अगर आप आर्टिकल 19 का यूज कर रहे हैं तो भैया मेरा रिलीजियस आपके जो इंस्टीट्यूशन है उनको चलाने का अधिकार अपने को मिला हुआ है आर्टिकल 26 के अंदर, ठीक है। रिलीजियस ऑन प्रॉपर्टी को हम सरकार से बिल्कुल ही अलग रखते हैं, ठीक है। अब आपका सुप्रीम कोर्ट जो था उसके सामने चैलेंज था कि अच्छा यार इससे पहले जो केस हुए थे गोलकनाथ से, उसमें तो बोला गया कि सरकार फंडामेंटल राइट को नहीं ले सकती, मतलब फंडामेंटल राइट को ले सकती है, गोलकनाथ में बोला कि नहीं भैया फंडामेंटल राइट आप इसको नहीं ला सकते। अब यहां पर सरकार के सामने अब तक का सबसे बड़ा बेंच बनता है, 13 जजेस का बेंच बैठा, बिगेस्ट सो फार टू हियर द केस। अब वैसे केशवानंद भारती खुद ही हैरान थे कि भैया मेरा तो केस ये रहा और आप लोगों ने इतना ज्यादा बड़ा इस केस को बना दिया। इसमें बोला गया, आपके यहां पर बोल दिया गया कि देखिए इसको, केशवानंद भारती आपका एक मिनट, 13 जज बेंच, ठीक है, टू डिसइफेक्ट द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब आपकी पार्लियामेंट में बीच में ने काम किया, मतलब जब ये आप ऐसा समझिए कि सबसे पहले गोलकनाथ केस को ही आप ले लीजिए, उससे उसके पहले शंकरी प्रसाद का केस था और एक आपके सब इंस्पेक्टर का केस था। सरकार क्या बोलती है कि फंडामेंटल राइट को छेड़छाड़ हो सकती है, गोलकनाथ में बोला कि फंडामेंटल राइट के साथ कुछ भी नहीं हो सकता, अब आपकी सरकार चेंज नहीं कर सकती इसको, ठीक है। अब क्या किया सरकार ने ना, अमेंडमेंट कर दी। सरकार बोलती कि अच्छा नहीं कर सकते, लो भैया हम तो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करते हैं। 24th अमेंडमेंट की गई, पार्लियामेंट had also given itself the power to amend any part of the constitution। 24वें अमेंडमेंट के अंदर साफ साफ लिखा गया है कि भैया आप ना, मतलब गोलकनाथ केस के अंदर उसको डिसइफेक्ट करने के लिए क्या किया कि एक अमेंडमेंट हम लोग लेकर आ गए, हम तो कुछ भी अमेंड कर देंगे, ठीक है। 25th अमेंडमेंट क्या बोलती है, राइट टू प्रॉपर्टी हैड बीन रिमूव्ड एज अ फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी को आपका क्या कर दिया गया, फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, ठीक है। हाँ, नानकी पालकी वाला जी जो थे वो मास्टरमाइंड थे यहाँ पर। द लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन केरला 1969 में ये रिफॉर्म आए। आप जो नानी पालकी वाला जी जो है वो इनके कनेक्शन में आ जाते हैं, के वेणुगोपाल के फादर ने इनको इंट्रोड्यूस कराया था केशवनंद भारती से। अब केशवनंद भारती पहुंचे कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अंदर पहुंचने पर बोला गया इसमें सबसे अधिक सिटिंग हुई, सबसे अधिक जजेस थे आपके, 68 सिटिंग्स हुई और आपके 40 दिन तक ही आपका चला और 7-6 की मेजोरिटी से, आप ध्यान से समझिए, 7-6 की मेजोरिटी से डिक्लेयर हो गया कि
जो पार्लियामेंट है कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, आपका जो सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन है दैट कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स सोशियो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन दैट वर गारंटेड टू द सिटीजन एज गिवन इन द प्रीएम्बल, कि भैया आपका जो प्रीएम्बल है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजोल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो भी आपका पूरा प्रीएम्बल आपका चलता है उसके अंदर जो जो चीजें आपकी लिखी हुई हैं उनको पूरा करने के लिए आप किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, बट आप कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते, आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेंगे। और ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम बताएगा कि ये चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं या नहीं आती है, और फंडामेंटल राइट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जिस तरीके से काम होता है वो आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और आप और इसके एग्जाम्पल ले सकते हो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो एक आपका क्या है, मतलब भारत में प्रधानमंत्री बनता है ना, बट आप ये नहीं कर सकते कल को जाकर बोले कि हम तो प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट चलाएंगे, ठीक है। बोला कि 24वें अमेंडमेंट आपने करी, ठीक है, 25वें अमेंडमेंट जो है वो आपका उसका जो पार्ट भी है वो क्या आपका अल्ट्रा वायर्स, यानी कि 31C को आर्टिकल को क्या कर दिया गया आपका इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट जुडिशियल रिव्यू, कि किसी भी चीज को लेकर अगर आप फंडामेंटल राइट को हटा भी रहे हैं आप हटा सकते हैं बट उसका जुडिशियल रिव्यू होना बनता है, तो ये चीज यहां पर आपकी ले ली गई कि भैया आप जुडिशियल रिव्यू का होकर रहेगा डिस्पाइट द रूलिंग पार्लियामेंट कैन नॉट ब्रीच द फंडामेंटल राइट, आप फंडामेंटल राइट को ब्रीच नहीं कर सकते। कोर्ट अपहेल्ड द अमेंडमेंट दैट रिमूव द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, द कोर्ट रूल्ड दैट इन स्पिरिट The amendment would not violate the basic structure of the constitution. कि amendment जो है इसको आपका change नहीं करेगी, ठीक है? एक मिनट, ठीक है, चलिए। रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, अच्छा रिजर्वेशन एक फंडामेंटल राइट आपका नहीं है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम तमिलनाडु कहां पर पहुंच गई आपकी, अब आपका रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, कहां पर पहुंचे आपके सुप्रीम कोर्ट में, बोला कि नीट के बच्चों को 50% का रिजर्वेशन नहीं दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला अंडर आर्टिकल 32 तो आप अप्लाई कर नहीं सकते। हाँ, रिजर्वेशन आपका आर्टिकल 15 और 16 में जो मेंशन है ना वो बेसिक नेचर उसका क्या आपका डीपीएस वो डायरेक्टिव है, मतलब वो एक प्रकार से डायरेक्टिव दे रखे हैं सरकार के, वो कोई आपका राइट नहीं है, सरकार का जो राइट है वो यहां पर छीन सकते हैं, तो आपको कोई राइट नहीं है, तो रिजर्वेशन इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ डायरेक्टिव इन द नेचर, ठीक है। एफआरआर मेंशनड इन द आर्टिकल 22-35, ये मेरे ख्याल से सबको पता होगा, वेरियस प्रोविजन है 15 और 16 के अंदर हमें पता है, ऑल्दो दीस प्रोविजंस आर मेंशनड इन पार्ट 3 बट इनका नेचर कैसा है आपका डायरेक्टिव है। कोटा एससी के लिए 15% है, एसटी के लिए 7.5% है, कोटा की लिमिट ओबीसी के लिए आपका 27% है, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन आपके कौन लेकर आए थे, आपके विश्व प्रताप सिंह जो आपके पहले प्रधानमंत्री थे जो क्या हुए थे बेटा आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू बी रिमूव्ड बाय दी नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अवर वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स हैव डिफरेंट कोटा लिमिट्स फॉर ओबीसीज इन देयर स्टेट, तमिलनाडु का आपका अलग से चलता है रिजर्वेशन, आपका जो स्वर्णों के लिए रिजर्वेशन आपका आया है इंदिरा सानी केस के अंदर बोला गया था आपका कि 50% से ज्यादा आपका रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, बट 103rd अमेंडमेंट बोलते हैं कि भैया आपका जो जनरल क्लास है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स के अंदर आपके जनरल कास्ट के लोग जो जिनका आपका इनकम 8 लाख रुपए से कम है, कुछ जमीन उनके पास कम है, तो उनको आपका राइट दे दिया जाए, ठीक है। आपके और स्टेट्स को बोला गया कि आपकी मर्जी है, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 एंड आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6 आर इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका इंट्रोड्यूस किए गए। 104th अमेंडमेंट के आपका दो एंग्लो इंडियन को आपकी जो सीट मिलती थी वो हटा दी गई, आपका 10 साल का एस सी एस टी का रिजर्वेशन आपके पार्लियामेंट में फिर से बढ़ा दिया गया, मतलब लोकसभा के अंदर। 103rd अमेंडमेंट है क्या करके आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आई है आपकी, और यूथ फॉर एनजीओ इसके अगेंस्ट गए बट इसको सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं माना, यहां पर लिखा गया कि कैसे कैसे आपको रिजर्वेशन मिल सकता है, हर स्टेट ने वैसे अपने अपने अलग अलग क्राइटेरिया निकाले हैं, सेंटर का क्राइटेरिया यहां पर मैंने लिख दिया है, 8 लाख रुपए से कम आपकी सालाना पूरे परिवार की इनकम, 1000 स्क्वायर फीट से कम आपके पास लैंड, 100 यार्ड आपका सिटीज में, 200 यार्ड आपका गांव के अंदर, आपका इससे कम क्या होना चाहिए आपके पास लैंड होना चाहिए, आपका गुजरात पहली स्टेट बनी जिसने इसको मान लिया, ठीक है। 104th अमेंडमेंट मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपका जो 84 एससी के लिए, 47 आपका एसटी कम्युनिटी के लिए, 24.03% सीट्स आपका एससी एसटी के लिए आपका रिजर्व है भारत के पार्लियामेंट में, और ये कब तक रहेंगे आपका जनवरी 25, 2030 तक, एंग्लो इंडियन को कोई सीट अब नहीं मिलेगी। एक एनसीएलटी होता है, एक एनक्लैट होता है, और एनसीएलटी एनक्लैट इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, एनसीएलटी के बाद जो भी डिस्प्यूट होते हैं उसको आप लेकर कहां पर जा सकते हो, एनक्लैट के पास, ठीक है, टाटा ग्रुप
वाले इसके पास गए थे, कंपनी लॉ के अंदर जो भी कंपनीज रजिस्टर होती है उनके मैनेजमेंट में अगर कोई भी इशू आता है तो वो यहाँ पर जा सकते हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने बोला कि साइरस कलोनजी मिस्त्री को जो हटाया गया वो आपका इलीगल था। फिर इन्होंने बोला कि आपका ट्रिब्यूनल हैज सेट असाइड 2017 ऑर्डर बाय मुंबई बेंच ऑफ एनसीएलटी। अब एनक्लैट ने क्या किया, एनसीएलटी के डिसीजन को रिवर्स किया है, ठीक है, इन्होंने रिवर्स कर दिया कि ये डिसीजन गलत था। एनक्लैट हैज आल्सो डिक्लेयर्ड द कन्वर्जन ऑफ टाटा सन लिमिटेड फ्रॉम पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी, को पब्लिक से प्राइवेट कंपनी के अंदर आपका कन्वर्ट करना भी क्या बोला गया, आपका इलीगल बोला गया। एनसीएलटी, एनक्लैट और टाटा, एनक्लैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 410 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, जो आपका कंपनी से रिलेटेड, आपकी जो भी कंपनीज आपकी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होंगी उनसे रिलेटेड कोई भी आपका मैनेजरिकल इशू आएगा तो आप यहां पर लेकर जा सकते हो। एनसीएलटी कोसाई जुडिशियल आपकी बॉडी है, ठीक है। इट इज ऑल्सो द एपलेट ट्रिब्यूनल फॉर ऑर्डर्स पास बाय द एनसीएलटी अंडर, यहाँ पे एनक्लैट आएगा वैसे। इट इज ऑल्सो द एपलेट ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 61 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी में भी जो आपका अंडर सेक्शन 61 है उसमें भी आपकी एपलेट अथॉरिटी आपकी बन जाती है। एनी पर्सन ग्रीव्ड बाय द एनक्लैट मे फाइल एन एप्लीकेशन टू द सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद आप डायरेक्टली कहां पर जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। केशवनंद भारती केस ये हो चुका है हमारा ना, अच्छा ये वापस आ गई कैसे हुआ। अच्छा ठीक है, अब ये बोडो अकॉर्ड, बहुत लोगों को प्रॉब्लम थी कि सर बोडो अकॉर्ड करा दीजिए। बोडो अकॉर्ड क्या है आपका, इसको ध्यान से देख लो बेटा। आपका आपकी चार डिस्ट्रिक्ट हैं भैया, इनको आपका बोडो लैंड अब डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उदयगिरी, बक्सा, गुवाहाटी और आपका चिरांग, और सॉरी गुवाहाटी नहीं, आपका कोकराझार आपका ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझ लो, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट, द असम गवर्नमेंट एंड द बोडो ग्रुप, यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और बोडो ग्रुप इंक्लूडिंग ऑल द फैक्शन ऑफ द मिलिटेंट नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ द बोडो लैंड, आपका एनडीएफबी signed an agreement to redraw and rename the Bodo Territorial Area District border. इन्होंने Bodo Land Territorial District को क्या declare किया गया, अब आपका Bodo Land Territorial Region। इन्होंने बोला कि हम अपनी ethnicity को बचाना चाहते हैं, इसीलिए हम आपका इसको क्या, इसका नाम क्या रख देंगे अब से, आपका BTR। अब आप इसको क्या बना दीजिए, BTR। सरकार ने भी इनकी बात मानी कि ठीक है, कब से लोग बंदूकें उठा के घूम रहे हैं, इन लोगों को भी मेन स्ट्रीम में लेकर आपका आया जाए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लगेंगे उतना देश आप का आगे बढ़ेगा। इन चार डिस्ट्रिक्ट के अंदर BTAD स्प्रेड ओवर 4 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो चुका है, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन BTAD एंड अदर एरियाज मेंशन्ड अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये क्या है आपके, ये आपका 6th शेड्यूल और आपका CAA यहां पर आपका नहीं लगने वाला। तो कोई आपसे पूछे कि भैया चार डिस्ट्रिक्ट जहां पर आपका CAA नहीं लगेगा वो कौन कौन से, आपका उदयगिरी, बक्सा, चिरांग और आपका कोकराझार, ठीक है, ये आपको दिमाग में फिट कर लेना है बिल्कुल अच्छे से, ठीक ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, बोडो कोड के अंदर, बोडो लैंड टेरिटोरियल रीजन वुड इंक्लूड द विलेजेस विच आर डोमिनेटेड बाय बोडोस बट आर आउटसाइड BTAD। अब इसके अंदर और भी बोला गया कि कुछ जगह ऐसी है जहां पर बोडो के लोग ज्यादा है बट आपका BTAD में नहीं आता। सरकार ने बोला कि कर लो ये भी जो तुम्हारा मन है। अ कमेटी विल बी फॉर्म टू डिसाइड द एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन ऑफ न्यू एरिया, कौन सा एरिया आए कौन सा एरिया आपका ना है, और इनको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। इनको 40 से इनकी सीटें कितनी कर दी जाएंगी, अब आपकी 60 सीटें, 40 से आपका 60 सीट्स आपकी हो जाएंगी। बोथ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑल द बोडो स्टूडेंट यूनियन एंड बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, BTC और आपका ABSU दोनों इसके अंदर आ गए। बोडो कचारी वेलफेयर और Council will set up for the focused development of Bodo villages outside BTAD. जो भी AD या BTR से बाहर है की development के लिए सब कुछ होगा। Bodos living in the hills would be a conferred a scheduled hill tribe status. इनको status मिलेगा आपका scheduled hill tribe का, ठीक है। इनकी जो बोडो लैंग्वेज है उसको आपका ऑफिशियल लैंग्वेज में इंक्लूड किया जाएगा असम की। उसके बाद आपका सिटीजनशिप और वर्क परमिट फॉर नॉन डोमिसाइल, अब जो ये रीजन है ना BTAD आपका, इस BTAD रीजन के अंदर आपके नॉन बोडो लोग कैसे काम करेंगे इस पे कोई बात नहीं। 500 से ज्यादा लोगों ने सरेंडर कर दिया, जो बंदूकें उठा के रखते थे इनके जो क्राइम्स थे उनको माफ किया जाएगा, जो आपके नॉन सीरियस क्राइम थे और जो सीरियस क्राइम थे उनको आपका फर्दर रिव्यू किया जाएगा, ऐसा सरकार ने क्या किया, इनको प्रॉमिस किया, ठीक है। Comprehensive solution have been made to redress the grievances of the people. इन परिवारों को जो है, जो भी जिसके भी बोडो के परिवार में कोई मरा उसको 5 लाख रुपया मिलेगा सरकार की तरफ से। स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज 1500 करोड़ का बढ़िया है। पीपल प्रीवियसली एसोसिएटेड विद आर्म रेजिस्टेंस, ये मैंने आपको बता दिया कि जो लोग ऑलरेडी अटैच थे उन लोगों को क्या किया जाएगा, आपका मेन स्ट्रीम में लेकर आया जाएगा, ठीक है। ग्रीस और टर्की का स्टैंड ऑफ देख लो भैया, अभी ग्रीस और टर्की का स्टैंड ऑफ क्या हुआ, ग्रीस और टर्की में क्या डिस्प्यूट चलता है। टर्की को ये समझ कर चलो कि
एकला चलो, आप ऐसा समझ के चलो कि भैया ये अकेले ही चलेंगे आपका, क्योंकि आसपास के देश इनसे ज्यादा प्यार व्यार नहीं करते, ना ये किसी से दोस्ती करते हैं और ना ही इनसे कोई दोस्ती करता है, ठीक है, सब लोग इनको एक्सक्लूड कर देते हैं। अब इसका एक नमूना और सामने आता है, यूरोपियन यूनियन एंड इट्स एलाइज इन वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका मेड प्लान्स टू बिल्ड अ गैस पाइपलाइन फ्रॉम मेडिटेरेनियन टू यूरोप, यानी कि इस रीजन से ना एक पाइपलाइन कहां पर जाए आपके यूरोप के अंदर, बट इन्होंने, आप खुद सोचो कि टर्की से इजी होता है, इन सब लोगों ने बोला कि नहीं हम तो ग्रीस के थ्रू यहां पर चले जाएंगे। इस बात से बहुत नाराज हुआ आपका। 2019 में भी ईस्ट मेड गैस फोरम जो था साइप्रस, जिसके अंदर ये इधर इसके नीचे जो है ना ये वाला जो रीजन है यहां पर, मैं ये मैंने थोड़ा डार्क किया, आपका साइप्रस है, इजिप्ट है, ग्रीस, इटली, इन सबने अपना इसको क्या कर दिया था, एक्सक्लूड कर दिया था इसके अंदर से, ठीक है। अब ग्रीस नाराज है थोड़ा सा। अब ग्रीस ने क्या बोला कि ठीक है आप लोग अलग से अपना काम कर रहे हो तो भाई मैं भी अपना काम करता हूं। अब टर्की ने क्या किया, एक देश के साथ जिसका नाम है लीबिया, इसके साथ अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाया। अब जैसे ये जोन अपना बना रहा था तो यहां पर कौन आ गया, ग्रीस। ग्रीस ने बोला कि भैया ऐसे कैसे आप हमारे रीजन से जा सकते हो, ठीक है। इन्होंने क्या किया आपका कि भाई आप हमारे रीजन से निकल रहे हो, क्योंकि आप ऐसा समझिए जो ग्रीस है ना उसके छोटे छोटे आइलैंड है भरमार, और आपके इससे तो 2-2 किलोमीटर की डिस्टेंस है टर्की से, और 500-700 किलोमीटर पड़ता है किससे आपका, आपके ग्रीस से। तो आपका जो टर्की है, टर्की के पास ग्रीस के जो आइलैंड है वो एक बोन ऑफ कंटेंशन है, मतलब आपके सर दर्द है किसके लिए, आपके टर्की के लिए, क्योंकि टर्की इन रीजन के अराउंड जो एरिया बनता है वो किसका बनता है, आपके ग्रीस का, और टर्की उन एरिया से आपका पास नहीं हो सकता, ठीक है। हाउएवर ग्रीस that Turkish zone violated its maritime sovereignty, ये मैंने आपको बता दिया पूरा, ठीक है। अब देखो आगे, अब यहां पर देख लीजिए ओवरलैपिंग क्लेम्स। अब ये है भैया ये, ठीक है, ये है टर्की बेचारा, ठीक है, टर्की के आसपास ये जो मैं ब्लैक आपको कर रहा हूं ना यहां पर, ये वाला रीजन आप देखिए, ये सारा का सारा क्या आपका ग्रीस है, ये सब ग्रीस है। अब इन लोगों को जब रास्ता अपना बनाना है, आप ऐसा समझिए बेटा, इन लोगों को जो रास्ता अपना बनाना है, टर्की से आप कहां पर गए, लीबिया की तरफ, टर्की से आपको लीबिया की तरफ जाना है, तो आपके बीच में आइलैंड आते हैं, तो आपका एरिया यहां पर आप समझ कर चलिए बेटा, एक मिनट होल्ड करना, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। गाइस होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, चलिए गाइस फटाफट इधर देख लेते हैं। ये मैंने आपको बताया कि आपका टर्की और इनके बीच में डिस्प्यूट क्या है आपका, ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इधर टर्की है, इधर क्या बेटा आपका ग्रीस है, ठीक है। ग्रीस और टर्की के बीच में आपका डिस्प्यूट ये है कि आपका जो ग्रीस है वो बोलता है कि भैया आप हमारे रीजन से पास हो रहे हो, टर्की बोल रहा है कि भैया सोचकर देखो आपके पास कितना सारा रीजन है, हमारे पास तो कोई भी रीजन नहीं है, तो आप हमारे साथ ऐसा मत करिए। यहाँ पर जो आइलैंड है बेटा कैस्टेलो रिजो, आपका जो आइलैंड है, कोई पूछे कि किस आइलैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट है, ये देखो इधर कैस्टेलो रिजो क्या आपका, इधर देखना इसको, कैस्टेलो रिजो विच इज अबाउट 2 किलोमीटर ऑफ टर्की साउदर्न कोस्ट एंड 570 किलोमीटर फ्रॉम द ग्रीक्स मेनलैंड। आपका ग्रीस से आपका कितनी दूर है आपका, 570 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर किससे आपके टर्की से, तो सोचकर देखो बेचारा टर्की का फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बट टर्की ने अच्छे काम नहीं किए जिसकी वजह से सब उससे नफरत ही करते हैं, ठीक है। They need to accept they are forever alone. France and अब फ्रांस ने क्या बोला, फ्रांस सपोर्ट में आ गया ग्रीस की, उन्होंने अपने मिलिट्री के युद्ध पोत जो थे वो उतार दिए आपके नेवी के, भैया ठीक है हम आपकी सपोर्ट में आ चुके हैं। साइप्रस इज फिजिकली डिवाइडेड विद द, अब ये साइप्रस है ठीक है, साइप्रस जो है इसका नॉर्दर्न पार्ट अलग है, साउदर्न पार्ट आपका अलग है, आधा पार्ट इसका टर्की रूल करता है, आधा पार्ट इसका कौन रूल करता है आपका, ये इंडिपेंडेंटली रूल करते हैं, ठीक है साइप्रस आप याद रखना, ओके जस्ट मिनट, ठीक है।
ठीक है, फ्रांस यूरोपियन मोस्ट पावरफुल अलाइड मिलिट्री फोर्सेस हैज थ्रोन इट्स वेट्स बिहाइंड ग्रीस एंड साइप्रस। साइप्रस इज फिजिकली डिवाइडेड विद द साउदर्न पार्ट आपका, ठीक है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट एंड नॉर्दर्न पार्ट कंट्रोल्ड बाय टर्की। नॉर्दर्न पार्ट आपका टर्की रूल करता है, इसका एन अलायंस एक अलायंस हुआ आपका यूएई और इन सबके बीच में, बट फिर से आपके टर्की को छोड़ दिया गया। टर्की स्टैंड ऑलमोस्ट आइसोलेटेड बट रिमेन्स अ की फोर्स इन द मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी का काफी एरिया इनको टच करता है, बट इनका कोई ज्यादा यहाँ पर फायदा इनको होता हुआ नजर नहीं आता ड्यू टू ग्रीस। तो आपको याद रखना है क्या इससे कीवर्ड निकलता है, कैस्टेलोरिजो नाम का एक आपका आइलैंड है, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एफएटीएफ। एफएटीएफ में आपको बता चुका हूं 39 कंट्रीज ने मिलकर बनाया, 1989 में बना था आपका G7 का। आपका क्या है, आपका G7 ने इसको बनाया था, मनी लॉन्ड्रिंग आपका, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आपका इन्होंने काम शुरू किया था स्टार्टिंग में 2000 से इन्होंने क्या काम शुरू कर दिया, दे हैव स्टार्टेड वन मोर थिंग। क्या काम इन्होंने बेटा शुरू कर दिया आपका, वन मोर थिंग, इन्होंने और क्या काम शुरू किया, दे हैव स्टार्टेड कि हम लोग टेरर फंडिंग की तरफ भी ध्यान देंगे। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर आपका, पेरिस में। अभी के लिए इसका हेड कौन बना आपका, जुलाई में आपका जर्मनी इसका हेड बन चुका है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी 2028 तक सारे कोल के प्लांट और आपका 2028 तक जितने भी आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट है सबको क्या करने वाला है, आपका बंद करने वाला है, ठीक है। जर्मनी जो है उसने प्रेसिडेंसी इसकी ले ली है और 27 पॉइंट पे लोग देखते हैं कि भैया आपका देश टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है नहीं कर रहा है। आपका जो पाकिस्तान है वो 14 पे तो खरा उतरता है बट बाकियों पे खरा नहीं उतर पाता, ठीक है। ग्रे लिस्ट और एक आपकी ब्लैक लिस्ट इसकी आपकी बन जाती है यहां पर, एक मिनट जरा, ठीक है ओके। नेक्स्ट देखते हैं आपका निसर्ग। निसर्ग का मतलब क्या होता है आपका, कोस्मोस, यानी कि आपका ब्रह्मांड। ये नाम किसने दिया आपके, बांग्लादेश ने, ठीक है। 13 देश है, 13-13 नाम भैया सबने दे रखे हैं। निसर्ग नाम का तूफान जो था आपका मालदीव के ऊपर से उठता है, पहले एक डिप्रेशन था सिर्फ, फिर आपका आगे आता है और आपके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और थोड़ा कर्नाटक और राजस्थान को भी इसने क्या किया आपका, अफेक्ट किया। साइक्लोन की जो स्पीड है अगर वो आपको देखनी, वैसे मैंने आपका अम्फन का यहाँ पर बना रखा है, द स्ट्रेंथ ऑफ द साइक्लोन्स आर मेजर्ड बाय द विंड स्पीड दे जनरेट एज इट स्ट्रॉन्गेस्ट। निसर्ग वुड एसोसिएट विद अ विंड स्पीड ऑफ 95-105 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 95 से लेकर ये कितने पे जाएगा, 105 तक आपका जाने वाला है, ठीक है। तो एक इस कौन सी रेंज में आ जाएगा आपका, एक साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में आपका आ जाता है, ठीक है। साइक्लोन्स जो है 2019 में भी आपके आए बेटा, आपके वो आपका फनी, वायु, हिका, क्यार, ये इनके नाम इसलिए दिए जाते हैं अलग-अलग ताकि आपका याद करने में आपको क्या रहे, आसानी रहे, ठीक है। एस्केप जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 13 देश है और 13 के 13 सबने 13-13 नाम आपने दे रखे हैं। अम्फन नाम का एक साइक्लोन आया आपकी श्रीलंका के ऊपर से उठता है और डायरेक्टली ये कहां पर बढ़ा आपके, इंडिया की तरफ, आपका उड़ीसा, आपका वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और इवन आपके नॉर्थ तक ये पहुंच चुका था। ये काफी भयंकर तूफान था। इसका अम्फन का मतलब क्या होता है आपका, स्काई, अब तक का सबसे महंगा, सबसे कॉस्टलीस्ट तूफान साबित हुआ है जिसका नाम क्या आपका, अम्फन। अम्फन का मतलब क्या होता है आपका, अम्फन मतलब स्काई इन थाई लैंग्वेज, ठीक है। एस्केप की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, एस्केप 1972 में बना था, ठीक है। ये प्रोसीजर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अम्फन इज ऑल्सो कॉल्ड द कोस्टलेस साइक्लोन एवर, सबसे महंगा आपका रहा की बार, इसका मैक्सिमम स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर रहा है, ओके। ब्रू रिफ्यूजीज की बात करते हैं, ब्रू रिफ्यूजीज के तो मजे हो गए भैया। 1997 के अंदर वैसे एथनिक क्लैशेज हुए थे यहाँ पर आपका, कौन सी जगह पर, ये है आपका मिजोरम। मिजोरम में मिजो और आपके ब्रूर यांग लोग जो थे वापस में लड़ रहे थे और ब्रूर यांग जो लोग थे वो आपके त्रिपुरा में घुस गए। इस साइड से आपका माइग्रेशन इन लोगों ने किया, ठीक है। और 2018 में सरकार ने कोशिश की कि वापस जाइए, 328 फैमिलीज वापस भी यहाँ पर चली गई थी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता बेटा अपने पास, उसके बाद 2019 में बातें दोबारा शुरू की गई। एक आपका क्वाड्रीपेट्री एग्रीमेंट आपका साइन किया गया, आपका क्वाड्रीपेट्राइट एग्रीमेंट आपका साइन हुआ जिसमें चार लोग थे। चार लोग कौन कौन आपके, मतलब एक तो आपके ब्रूर यांग कम्युनिटी के लीडर्स, एक आपके बांग्ला, मतलब सॉरी, एक आपके त्रिपुरा की सरकार, एक आपकी मिजोरम की सरकार, एक आपकी भारत सरकार, इन लोगों के लिए आपका काम किया गया। 34,000 लोग जो थे, अब त्रिपुरा के जो आपके रॉयल थे जिनका नाम प्रद्योत देव बर्मन है, उन्होंने इनके लिए आपका लैंड दिया गया। यानी कि 1997 में जो लोग आपके त्रिपुरा की शरण में आ गए थे भैया, उनको त्रिपुरा में ही आप अब रहने दिया जाए। त्रिपुरा में इनको आकर क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है।
पैसा ही पैसा होगा। रू कम्युनिटी को क्या मिलेगा आपका, 4 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट, 40/30 का लैंड मिलेगा, ट्राइबल स्टेटस मिलेगा, 5,000 रुपए महीना मिलेगा, 1.5 लाख रुपए मिलेगा घर बनाने के लिए, ठीक है। ये उगर मुस्लिम वाला पार्ट हम कर चुके ऑलरेडी। यूएनएससी का 2020 का इलेक्शन हुआ, यूएनएससी के इलेक्शन में भारत सिलेक्ट हो चुका आपका, भारत के साथ साथ आप मतलब इसमें 5 सीटें थी, 1 फॉर अफ्रीका, 1 फॉर एशिया पैसिफिक, इंडिया एशिया पैसिफिक में से सिलेक्ट हुआ, अमेरिका और कैरेबियन के लिए थी, 2 आपके वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर कंट्रीज के लिए थी, ठीक है। 74 सेशन हुआ जिसके अंदर सब लोगों ने वोट डाला, टोटल 193 कंट्रीज है, 192 आपका टोटल वोट करेंगी इंडिया के, जिसमें से 184 इंडिया के हाथ में सीटें आ गई आपकी, ठीक है। 2010 में इससे पहले इंडिया सिलेक्ट हुआ था, 8 टाइम इंडिया इसमें सिलेक्ट हुआ आपका, 2/3 वोट्स इसमें रिक्वायर्ड होती है, यानी कि 128 वोट्स यहां पर क्या रहती है आपको रिक्वायर्ड रहती है फ्रॉम अदर्स दैट वोन वर मेक्सिको विद 187 वोट्स आपका, मेक्सिको जीता है, केनिया जीता, नॉर्वे और आपका आयरलैंड, केनिया आपका दूसरे राउंड में यहां पर जीता था, याद रखना पेपर में आ सकता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की 6 आम होती है, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, ट्रस्टशिप, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूएन सेक्रेटरिएट। आपका जो ट्रस्टशिप काउंसिल है वो आपका बंद हो चुका है 1994 से, और आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है एकमात्र जो न्यूयॉर्क के अंदर नहीं है, पीस पैलेस है एक नेदरलैंड में, ठीक है। फिर आती है बेटा आपकी सिपरी की रिपोर्ट, सिपरी की रिपोर्ट क्या है आपकी, सिपरी की रिपोर्ट में क्या आएगा आपका, देखो जस्ट लिसन टू मी, हूएवर वांट्स टू स्पैम बेटा, मैं मेरे पास एक ऑप्शन होता है कि मैं हमेशा के लिए हाइड कर देता हूँ यूजर को, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि स्पैम कोई भी ना करे, इफ यू गाइस आर स्पैमिंग तो मैं इंस्टेंटली बैन कर दूंगा, ठीक है। ओके, सो इट इज माय रिक्वेस्ट कि बिहेव फॉर नाउ, अभी के लिए आप लोग बिहेव करें अच्छे से, ठीक है। अभी के लिए जो जो लोग पढ़ रहे हैं, 200 लोग पढ़ रहे हैं बेटा, उनके टाइम की वैल्यू करो, मेरे भी, ठीक है। सिपरी रिपोर्ट को देखते हैं, सिपरी रिपोर्ट अपने को क्या बोलती है, आदि जैन एक काम कर सकते हो बेटा, बाकी सारी वीडियोस को 2.0 की स्पीड में देख लो, मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। चलिए स्लो मोड ऑन हो गया, ठीक है। ओके चलो बेटा, सिपरी जो है, सिपरी का 51st एडिशन आया, इंडिया आपका 6 नंबर पर आया न्यूक्लियर वॉर हेड के केस में। आर्मी में अगर हम बात करें कि आर्मी एक्सपेंडिचर में, तो इंडिया आपका 3rd नंबर पे आ जाएगा, दुनिया में आपका 3rd नंबर पे हम लोग आते हैं, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। इंपॉर्टेंटली अप्रैल के अंदर आपका डिक्लेयर किया गया था इंडिया को, यूएस एंड रशिया के पास 90% ऑफ वेपन है, पूरी दुनिया की ये रिपोर्ट रिलीज करी थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने बेटा, ठीक है। इधर देखो बेटा आपका इंपॉर्टेंट, इंडिया न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स, ये आपका होमवर्क होता है वैसे आपका, इंडिया के न्यूक्लियर पावर रिएक्टर कहाँ कहाँ पर है, कुंडाकुलम आपका, तारापुर आपका, जैतापुर, उसके अलावा आपका ये क्या नाम है एक आपका बनेगा चेन्नई के अंदर, आपके आंध्र प्रदेश में आपके 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका, यूएस उसमें मदद करेगा, ठीक है। तो आपको आगे बढ़ना है थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा आया था आपका 18 मई 1974 को। अब आपके पास न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 1974 का, ऑपरेशन शक्ति आपका 1998 का है, प्लस आपको अगर न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपका जर्मनी जो है वो अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बंद कर रहा है कब तक आपका 2022 तक, ठीक है। आपके कोल पावर प्लांट को बंद कर रहा है कब तक आपका 2038 तक। तो ये आपको याद रखना है कि कुछ कुछ चीजें न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड भी आपको, होमी जहांगीर बाबा को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम यहां पर बोला जाता है, रशियन यूएसए आपका हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपके, रशिया जो है तमिलनाडु में और आपका ये आंध्रा में आपका यूएस कर रहा है, ठीक है। थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करें, थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक बहुत ही शानदार सिस्टम है, टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया इसका फुल फॉर्म होता है। अभी थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है आपका ये यूएस लगाता है, यूएस ने कहां पर लगा दिया आपके साउथ कोरिया में लगा दिया और आपके नॉर्थ कोरिया से बचने के लिए लगाया था, बट आपका चाइना बोल रहा है कि थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम में कुछ ऐसा है कि हमारे एरोस्पेस के बारे में पूरी जानकारी किसके
पास रहती है आपके अमेरिका के पास। अमेरिका काफी नाराज है इस बात को लेकर, और इसी बात पर आपका अमेरिका और आपका इन आपका जो चाइना, चाइना ने बोला कि हमारे लोग अब साउथ कोरिया में इतना ज्यादा ट्रेवल नहीं करेंगे, साउथ कोरिया को इससे थोड़ा सा आपका लॉस हुआ है। ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा आपका। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, वेस्टिंग हाउस यूएसए विल बिल्ड 6 न्यूक्लियर रिएक्टर, बिल्कुल 6 न्यूक्लियर रिएक्टर आपके बनेंगे। चाइना हैज इशूड स्टेटमेंट रीट्रेटिंग द लॉन्ग, इन्होंने बोला कि ये थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम गलत है भैया, आप साउथ कोरिया में इसको मत लगाइए। बट आपका जो साउथ कोरिया बोल रहे कि भैया हमें अपनी रक्षा करनी है किससे, नॉर्थ कोरिया से। नॉर्थ कोरिया रोज बॉम्ब फोड़ फोड़ के देखता है, पता नहीं कब असली बॉम्ब फेंक दे, तो हमें डर है थोड़ा सा। इट हैज बीन प्रीवियसली डिस्ट्रॉयड डिप्लॉयड इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, गुआम, इसराइल, रोमानिया एज वेल, आपका सब जगह पे आपका लगाया गया है। ये आपका इतना खतरनाक सिस्टम है, इसका सक्सेस आपका 100% का बेटा, थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का। थर्ड वाज डिप्लॉयड इन साउथ कोरिया एज अ काउंटर पार्ट मेजर। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया इनके बीच में जो लाइन है बेटा, वो कौन सी लाइन है आपकी, 38th पैरेलल लाइन आपकी इन दोनों के बीच में। ठीक है, इन 2017 नॉर्थ कोरिया टेस्ट फायर अ फ्यू मिसाइल्स इन द डायरेक्शन ऑफ यूएसए बेस इन जापान, उसके बाद इनको चेंज कर दिया गया। एवर सिंस चाइना ने ऑब्जेक्ट करना शुरू कर दिया, हमारे आसपास आकर मत लड़ो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपका, there is a 49 parallel line between, ये गलत है, यहाँ पर आपका 38 parallel line है between North Korea and South Korea, discuss S-400, हमें पता है, काटसा पता है, India and Russia relationship पता है, M777 howitzer हमें कहाँ से मिले आपके, आपके US से, चिनूक हमें कहाँ से मिला आपका, USA से। M777 आपके हल्की होती हैं, मतलब इनका जो वजन है वो बहुत ही कम है, बट ये काफी पावरफुल होते हैं। हिम विजय एक्सरसाइज में इंडिया ने इनको यूज किया था चाइना के साथ आपका, और ये चिनूक हेलीकॉप्टर है, मतलब एक प्रकार से आपका एरोप्लेन टाइप है, बहुत हैवी चीजें उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकते हैं। एशियाटिक लर्न सेंसेस होना था आपका 15वें नंबर का, हुआ नहीं है, तो इसकी जगह पे पूर्णम अवलोकन हुआ, मतलब कि पूर्णिमा की रात को आपने शेयरों को देखना शुरू कर दिया। टोटल 674 आपके क्या दिखे यहां पर, आपके टोटल शेयर 523 कब दिखे थे आपके, 2015 में। फर्स्ट लर्न सेंसेस आपका 1936 में हुआ था, ठीक है, 1965 से आपका लगातार होता है। एनटीसीए वाला मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे अधिक टाइगर किधर है आपके, मध्य प्रदेश के अंदर। ओके, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया रिव्यू करने से, डीक्रिमिनलाइज दी अडल्ट्री। आपका सुप्रीम कोर्ट में गए थे लोग, उन्होंने बोला कि भैया आप इसको डीक्रिमिनलाइज, आपने जो किया इसको आप वापस क्रिमिनलाइज कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट बोलता है वी कांट पनिश दी अनहैप्पी पीपल, किसी की शादी जल्दी हो गई, किसी को जबरदस्ती शादी करा दी गई, तो अगर वो कहीं और अपना घर बसाना चाहते हैं तो आप वो चोरी छुपे काम कर सकते हैं, इसकी कोई सजा नहीं है। ठीक है, चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में आपका सेक्शन 497 को क्या किया था आपका, मैरिड कपल्स को टू रिमेन लॉयल टू ईच अदर, आप इसके लिए आपका पीनल पनिशमेंट यहाँ पर नहीं दे सकते। ठीक है, तो 497 को आपका हटा दिया गया, वुमेन को आपका आपका डिग्निटी, सोशल ऑटोनॉमी और लॉ वगैरह सब कुछ बोला गया यहाँ पर, और बोला गया कि वी कांट पनिश दी अनहैप्पी पीपल। अगर किसी को भैया डाइवोर्स लेना है और आपको पता चला कि योर पार्टनर इज इन्वॉल्व विद समवन, तो आप क्या कर सकते हैं उसके अगेंस्ट, उसको आप ग्राउंड बना सकते हो डाइवोर्स का, इसका रेमेडी दिया गया डाइवोर्स, बट इसको चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब अडल्ट्री जो है वो लीगलाइज कर दी गई इंडिया के अंदर, ऐसा आप मान सकते हैं। इबोला वापस आया कहां पर आपका, डीसीआर में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के अंदर। इबोला इज नेम्ड आफ्टर अ रिवर, इबोला एक नदी के नाम पर है आपका नाम। एक लड़की की डेथ हो गई थी 2014 के अंदर इससे, और उसके पास जितने भी लोग गए, बॉडी फ्लूइड से आपका फैलता है इसका, आपका जो सिम्टोमेटिक चीजें हैं इसकी, इसको इसके सिम्टम ठीक कर लीजिए, उसी से आपका ये ठीक होता है। ऐसा जिसका कोई वैक्सीन आपका डेवलप नहीं हो पाया, ठीक है, इसका क्योंकि वो नहीं हो पाता पूरा, मतलब जिन जगह पे जाते हैं टेस्ट करने के लिए वहां पर लोग तैयार नहीं रहते आपके। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है सीक्रेसी ऑफ बैलेट बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आपका यूपी का एक केस यहाँ पर उठाया, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो है वो प्रिविलेज है किसका, आपके इलेक्टर्स का, इलेक्टर्स ऑफ इंडिया का, यानी कि अगर कोई नहीं बताना चाहता कि भैया हम वोट किसको डालें तो उसकी मर्जी है, वो किसी को ना बताए, बट अगर आप किसी को फोर्स करते हो वोट बताने के लिए कि जब आप डाल रहे हो किसी भी प्रकार से, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्शन दोबारा से यहाँ पर कराना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर यूपी के अंदर आपका जिला परिषद अधिनियम का जो सेक्शन 28 सब क्लोज 8 है आपका 1961 वाला, उसको कोर्ट करके सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इलेक्शन है जल्दी से जल्दी आप करा दीजिए। सीक्रेसी ऑफ बैलेट के अंदर हमें पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर चुके हैं आपका, एक ईवीएम में 1400 लोगों का डाटा स्टोर हो सकता है, 16 इसके अंदर क्या हो सकते हैं, कैंडिडेट को आप वोट डाल सकते हैं, नेशनल वोटर्स डे, अशोक लवासा, एडीबी, वीवीपैट सब डिस्कस हो चुका है। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, इथेनॉल को अगर हम पेट्रोल के अंदर ब्लेंड कर देते हैं तो भैया उससे क्या फायदा होता है आपका, एक तो इसके अंदर ऑक्सीजन होता है इथेनॉल में, जिससे आपका बर्न जो आपका जो फ्यूल होगा वो
बर्न अच्छे से होगा, दूसरी बात आपका पेट्रोल का कॉस्ट कम होगा, ठीक है। आपके दो प्रकार के इथेनॉल बनता है, एक आपका 1G एक आपका 2G। 1G का मतलब है कहां से बनेगा, आपकी शुगर रिफाइनरी से जो आपका मोलेसिस निकलता है वहां से। 2G कहां से बनेगा, आपके जो किसान लोग अपनी फसल जला रहे थे उनको बोला गया कि जो आपका अवशेष बचा हुआ आप किसको बेच दीजिए, आप सरकार को यहां पर बेच दीजिए, ठीक है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे आपका 10th अगस्त को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या थी अब की बार, बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। बायोथेनॉल प्रोग्राम में कितना भी आपका 5% चलता है, ठीक है। अब इसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में क्या होता है आपका, रिसेंटली द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर अप्रूव्ड दी प्रधानमंत्री जीवन जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। अब ये काम कर दिया गया कि लोगों को बोला कि भैया हमें दे दीजिए स्कीम के तहत 1G बायो इथेनॉल। मैंने आपको बताया कि शुगर केन के जूस से, मोलेसिस से, बायो प्रोडक्ट से इन सबसे बनता है। द स्कीम इज प्रमोटिंग सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल, ठीक है। थ्री पब्लिक OMCs आपकी तीन आपकी ऑयल मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो इसके अंदर आपकी आ भी गई है, ठीक है। बायोफ्यूल किससे बनता है, मतलब बायोफ्यूल का मेन चीज है कि इसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाए। जट्रोफा का प्रोडक्शन आपका गन्ने का, अगर आपने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, ठीक है, तो बाकी चीजों की फूड सिक्योरिटी पे आपका सवाल आ जाता है। जट्रोफा जो है वो आपका कमर्शियली वायबल नहीं है, कैंसर वैंसर में भी काम आता है आपका, ठीक है। अवेयर द फार्मर नॉट टू डिस्ट्रॉय द लेफ्ट ओवर, ठीक है। डरना नहीं है बेटा, सारे क्लासेस पूरी ले चुके हैं, जितने टॉपिक थे सारे कवर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट आप लोगों के पास, ज्यादातर लोगों के पास, इनफैक्ट वी हैव ओपन अ पोल, हम लोगों ने पोल ओपन किया तो उसके अंदर अराउंड 60% लोगों को तो ऐसा लगा कि 20+ GK जो था वो हमारी क्लासेस में से था, जो आपका एलेट का पेपर हुआ वो यहाँ से था आपका, ठीक है। तो अगर इफ आई एम टेलिंग यू कि अगर जीके में मान लीजिए कि सेक्शन आपका टफ भी आता है, ठीक है, मान लीजिए कि दो सेट ऐसे आगे उन्होंने आपको हिला दिया, तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं है। अगर पेपर टफ है सबके लिए है, पेपर इजी है तो सबके लिए है। पेपर क्लियर वो करते हैं, वकील अच्छे वो बनते हैं जो अंडर टाइम प्रेशर अच्छा काम कर लेते हैं। एक वकील होता है जो रात रात भर बैठकर मेहनत करता है, प्रेसिडेंट निकालता है, आराम से पूरा मेहनत करता है केस के ऊपर और केस जीत कर आता है, नाम कमाता है, पैसा भी कमाता है। एक वकील होता है जो 5-6 टाइप का एफिडेविट बनाना सीख जाता है, ठीक है, रेंट एग्रीमेंट बनाना सीख जाता है, वो उस पर काम करता है। दोनों ही गलत नहीं है, सब अपनी जगह पर, ठीक है, बट आपको डिसाइड करना है आप किस साइड जाना चाहते हो। यस तो घबराना नहीं है भैया किसी को भी, ठीक है, घबराना नहीं है किसी को भी। जो अभी तक किया है ना, अगर बेटा पूरे एक साल के अंदर आपने जो भी मेहनत की है, जिस भी प्रकार से आपने कार्य किया है, आपने अपने लिए काम किया है या आपने औरों की मदद में ज्यादा समय लगाया है, सारी चीजों का गठजोड़ जो है, कर्मों का फल जो होता है वो आपको कल मिलेगा बेटा जाकर, ठीक है। कल हमें कर्मों का फल हमारे मिल जाएगा, कल हम जाएंगे और वहां पर जाकर जो भी हमने एक साल में किया होगा उसी का फल आएगा। यहाँ पे सिर्फ रिविजन चल रहा है, आई कांट से कि भैया इस ये जो रिवीजन है आपको कितना हेल्प करेगा, बट अगर आप पूरा साल पढ़े हैं तो डेफिनेटली मदद करेगा। अगर अभी अभी आए हैं ना सिर्फ देखने की अभी कुछ हो जाएगा तो हार्डली एनी चांस कि कोई फायदा होगा। भैया बहुत है बेटा, जीके में याद रखना, जीके में यू कैन नेवर बीट एनीवन। जीके में अगर औरों को बीट करने जाओगे ना, जीके अगर अच्छा जाता है तो ऑलमोस्ट सबका जाता है, जीके अगर बुरा जाता है तो ऑलमोस्ट सबका जाता है। योर एप्टीट्यूड जो आपका जो एप्टीट्यूड है वो रोल प्ले करेगा, ठीक है। पांच सौ टॉपिक कर चुके हो तो बेटा आराम से कर लोगे अच्छा पेपर में, ठीक है। लास्ट टाइम टिप फॉर अजम्पशन एंड स्टेटमेंट, सर पीडीएफ कौन से नेम, ये प्राइम वाली होगी कोई, प्राइम 9-10 कुछ भी होगा, ग्रुप में जाकर देखो सारी अवेलेबल हैं, सब कुछ बेटा अपलोडेड है, अगर उनके थ्रू आप जाओगे तो उसमें हो जाएगा सब, ठीक है। बेटा जब तक पेपर में नहीं घुसोगे तब तक डर रहेगा, पहले 5 क्वेश्चन में भी डर रहेगा और उसके बाद सारा डर उठ जाएगा।
वत्सल सिंह काम खत्म करा दो, गुड पॉइंट वत्सल, मैं थोड़ा सांस लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, पानी पी रहा हूँ अभी मैं, एक मिनट रुक जाओ भैया, इसको बता ही देते हैं कौन सा पीडीएफ है। ये प्राइम सेवन एंड एट के नाम से, प्राइम सेवन एंड एट के नाम से, यस यस, मैं थोड़ा सांस ले लू, पानी पी रहा था मैं। चलो बेटा चलिए करें। ओ आशुतोष जी है तो अब पढ़ाना पड़ेगा। छाबार पोर्ट एंड रेल लाइन, ठीक है, छाबार पोर्ट। अच्छा एक चीज समझो कि भारत जो है ना, भारत का एक पड़ोसी देश रहा जिसका नाम है बेटा क्या आपका, ईरान, ठीक है। ईरान ने क्या किया, ईरान की हमसे दोस्ती ठीक ठाक थी और ईरान का पाकिस्तान से भी ज्यादा नहीं बनता क्योंकि पाकिस्तान एक सुन्नी कंट्री है, ठीक है, पाकिस्तान एक सुन्नी नेशन है और ये लोग एक आपका शिया कंट्री है। तो भारत ने फायदा उठाया कि चलो भैया हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डैम आप मतलब सॉरी यहाँ पर हम एक आपका पोर्ट डेवलप कराते हैं जिसका नाम क्या आपका, छाबार पोर्ट, ठीक है। छाबार पोर्ट से ऊपर तक आपका जाहेदान तक क्या था आपका 628 किलोमीटर तक आपका रेल लाइन भी इंडिया को बनाना था, ठीक है, इंडिया का कनेक्शन के साथ ठीक ठाक चल रहा था। मीनवाइल अमेरिका इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है, अमेरिका बोलता है कि ठीक है अगर हमसे दोस्ती रखनी है ना, ठीक है आपने छाबार में इन्वेस्टमेंट कर लिया, ठीक है, बट ईरान हमारा दुश्मन है तो अगर आप यहाँ पर ये रेल लाइन बनाओगे ना तो कुछ लोगों के नाम हम आपको लिख कर दे रहे हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करना क्योंकि वो अमेरिका के ऊपर ना अटैक करते हैं, अमेरिकन के ऊपर ईरान में अटैक करते हैं। तो भारत ने बोला ठीक है, तो जितने भी नाम आपका ईरान लेकर आया तो सारे के सारे वही लोग थे, तो इंडिया ने बोला हम इसके साथ नहीं कर सकते काम। और इस चीज का फायदा उठाया किसने भैया, आपके चाइना ने, चाइना आ गया, चाइना ने बोला हम मदद करेंगे इधर से आपके साथ। ईरान हैज इनॉग्रेटेड द ट्रैक लेइंग प्रोसेस ऑफ 628 किलोमीटर छाबार जेदान लाइन व्हिच विल बी एक्सटेंडेड टू जारान अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान। ये कहां तक जा रही है आपकी, जारान तक, ये जारान तक आपकी जाएगी जो कि आपका अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है। यहां पर द एंटायर प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय मार्च 2022, सवाल ही नहीं पैदा होता। एंड ईरानियन रेलवेज विल यूज अप्रोक्सीमेटली 400 मिलियन, इनको 400 मिलियन की जो फंडिंग है वो आपके किसने दी, आपके चाइना ने, चाइना चाइना ने दिया, वो मैं बताता हूँ कैसे इन्होंने दिया है आपका। डिस्पाइट सेवरल विजिट बाय आयरकॉन इंजीनियर्स, भारत की तरफ से आपके आयरकॉन इंजीनियर यहाँ पर गए बट बात नहीं बन पाई, इंडिया हैज ऑलरेडी स्टॉप्ड ऑयल इंपोर्ट, भारत ने बोला कि भैया हम ऑयल एंड गैस इनसे नहीं खरीदेंगे, हम गुस्सा नहीं दिलवाना चाहते किसको, आपके ट्रंप साहब को, ठीक है। द यूएसए हैड प्रोवाइडेड अ सैंक्शन वेवर फॉर द छाबार पोर्ट एंड रेल लाइन बट इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइंड द इक्विपमेंट सप्लायर एंड पार्टनर ड्यू टू वरीज ऑफ द बींग टारगेटेड बाई यूएसए, ठीक है, ये चीज समझ आ गई होगी सबको। और 25 साल रिश्ते पूरे हो गए किसके, आपके ईरान के और चाइना के, और इसी मामले में 400 मिलियन डॉलर, बिलियन नहीं बेटा यहाँ पर, 400 मिलियन डॉलर किसने दिया आपके, इन लोगों ने, और वही 400 मिलियन कहां पर यूज करेंगे, आपका 600 किलोमीटर का रेल लाइन बनाने के लिए, ठीक है। तो इंडिया के हाथ से छाबार का जो रेल छाबार है वो नहीं गया, छाबार से जारान तक जो आपका रेल लिंक है वो आपका जा चुका है, ठीक है। रफाइल जेट हो चुका है हमारा। हांगकांग का डिस्प्यूट हम देखते हैं, हांगकांग के अंदर क्या हुआ, 1997 में ब्रिटेन ने हांगकांग को आपके हांगकांग को हैंड ओवर कर दिया किसको, आपके चाइना को, चाइना ने बोला कि ठीक है, चाइना और एक हांगकांग आपकी ऐसी जगह बनी जहां पर वन कंट्री टू सिस्टम था। वन कंट्री टू सिस्टम क्या होता है, एक देश के अंदर दो कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं, आपका इनका जो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था बेटा वो आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था जिसको बेसिक लॉ बोलते हैं, ठीक है, इनको इन्होंने कभी भी कोई अपना काम नहीं किया नेशनल सिक्योरिटी के लिए, तो चाइना ने कर दिया, चाइना लॉ यहां पर लेकर आया। चाइना बोलता है कि अगर कोई भी आपका हांगकांग के अंदर सीसेशन करेगा, मतलब आपको आजाद कराने की कोशिश करेगा, हम उसको नहीं बख्शेंगे, सबवर्जन मतलब कि चाइना की पावर को अंडरमाइन करने की कोशिश करेगा उसको भी नहीं बख्शेंगे, टेररिज्म कोई फैलाएगा उसको भी नहीं बख्शा जाएगा, और अगर कोई फॉरनर आके यहाँ पर एंटी चाइनीज एक्टिविटी करता है तो उसको भी हम यहाँ पर नहीं बख्शेंगे, ठीक है। चाइना बोलता है कि भैया हमने तो इनकी सिक्योरिटी के लिए काम किया है, हमारा एज सच और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपका जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने बोला था कि आपको इन लोगों को फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारी चीजें देनी पड़ेगी, फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह ये सब कुछ आपका चाइना में आपको अवेलेबल नहीं होता। दे आर सपोज टू प्रोटेक्ट सर्टेन फ्रीडम फॉर हांगकांग, ठीक है, जो कि वो नहीं कर पाए अंडर द सेम अग्रीमेंट, हांगकांग को अपना रूल बना था आर्टिकल 23 के 3, जो वो भी आपका नहीं बना पाया, ठीक है। आपका छाबार पोर्ट एंड रेल लाइन की अगर हम बात करें, अब ये थोड़ा सा खैर ये अब
ये आगे वाला पीछे आ गया आपका, इधर देखिए बंदरे जस्क, ठीक है, ये क्या मैंने आपको बताया था आपका पहले वाले लेक्चर में, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसके पास कौन आ गया आपका, चाइना, बंदरे जस्क भी आ चुका आपका, जस्क भी आ चुका, और साथ में क्या आपका चाबहार पोर्ट। तो दोनों जगह पर, दोनों पोर्ट्स में इंटरनल डीलिंग के लिए आपका ईरान ने मना लिया किसको, आपके चाइना को, तो चाइना आपका यहाँ पर आपका पहुंच चुका है। और इधर बंदरे जस्क है, इधर क्या है आपका चाबहार पोर्ट है, चाबहार पोर्ट से थोड़ी आगे जाओ तो आपका ग्वादर पोर्ट है, तो तीनों पोर्ट आपके किसके हो गए, इंडिया के बराबर में आपके चाइना के, ठीक है। देखते हैं इसके दो नाम है आपके चाबहार पोर्ट के, पहला पहला जो इसका फेस है उसका नाम है शहीद बेस्ती, दूसरा आपका शहीद कलंतरी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा आपका, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, इंडियन गैस एक्सचेंज, अब मतलब फॉरेन से आई नेचुरल गैस को अगर आपको खरीदना है बेचना है तो आपके लिए IGX बना दिया सरकार ने, आप स्पॉट मार्केट यानी कि ऑन द स्पॉट चीज खरीदनी है या फिर कुछ टाइम बाद खरीदनी है वो आप कर सकते हैं यहाँ पर। वाई IGX, IGX की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भैया आपको बेचने वालों को खरीदार की और खरीदार को बेचने वाले की यहाँ पर आवश्यकता होती थी, लूटपाट भी मतलब आपका प्राइसेस में बहुत फ्लक्चुएशन भी आपका होता था, तो कई लोगों को लॉस होता था, तो अब क्या किया गया आपका एक ही एक्सचेंज आपका बना दिया गया, ठीक है। सॉरी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस क्या होता है, ये आपका नेचुरल गैस जो होती है अगर उसको हम लिक्विफाई करते हैं तो जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करती है उसका 600 टाइम क्या हो जाता है, उसका कम हो जाता है, ठीक है। आपका इट टेक्स अप टू 1/600 द वॉल्यूम ऑफ 1/600 वॉल्यूम, ये मैंने आपको करा दिया। 24 आपके LNG स्टेशन लगेंगे गोल्डन क्वाड्रिलेटर पर, आपकी पूरी दुनिया में 23.5% जो आपका फ्यूल है वो आपका लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, इंडिया में आपका 6.5% है, जिसको इंडिया बढ़ाना चाहता है 15% बाय 2030, ठीक है। ओके, रुको एक बार, दहेज हजीरा काकीनाडा तीन जगह पर, ठीक है। अच्छा, ये तो 10 तो हो गया, चलो इधर देख लो फटाफट। फ्लोइड जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, चलिए जॉर्ज फ्लॉयड की बात करते हैं। $20 का आपका सिगरेट जो था उसके उसके लिए इसने नकली नोट दे दिया, वहां पर पुलिस वालों ने इसको पकड़ लिया गर्दन पे इसकी, मतलब पुलिस वाले जब इसको पकड़ के बिठा रहे थे तो इसने लड़ाई करना वहां पर शुरू कर दिया पुलिस वालों के साथ, और उन्होंने इसकी गर्दन पे रख दिया अपना पैर, और उसकी वजह से हो गई इसकी मृत्यु। बाद में पता चला कि इसको कोरोनरी डिजीज वगैरह सब था, और काले लोगों का जीवन भी मैटर करता है दुनिया में, ऐसे आपके प्रोटेस्ट चलना इसके मामले में शुरू हो गए, ठीक है। जॉर्ज फ्लॉयड के केस के बाद क्या हुआ आपका, आपके 150 ज्यादा सिटीज के अंदर आपका क्या हो गया, वहां पर नाटक चलता गया कि 150 सिटीज में आपके प्रोटेस्ट हुए। इन द ट्वीट आपके जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने अलग ही यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, उन्होंने बोला कि ही लेबल्ड प्रोटेस्टर कॉलिंग फॉर एक्शन पुलिस फॉर द फ्लड डेट आर ठग्स, इन्होंने क्या बोला कि ये ठग लोग हैं आपके। ही एडेड व्हेन द लूटिंग स्टार्ट, कि अगर ये लोग लूटिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या शुरू होगा आपका, शूटिंग स्टार्ट होगा, ये एक आपके आर्मी के आदमी ने भाषण में बोला था, तो उन्हीं चीज को इन्होंने कोट कर दिया। दिस इज हार्डली द फर्स्ट टाइम इन्होंने आपका, ये इनका काम है आपका, और इससे पहले आपके जो डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिकन लोगों को आपके रेपिस्ट और ड्रग डीलर ऑलरेडी बोल चुके हैं, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ब्लैक लाइव्स मैटर। ब्लैक लाइव्स मैटर के अंदर आप सबको पता है कि डैरेन सैमी ने बोलना शुरू किया कि मुझे भी आपका जो सनराइजर हैदराबाद था वहां पर कालू मतलब एक अलग वर्ड से मुझको बोला जाता था, मुझे लग रहा था कि इसका मतलब आपका ब्लैक स्टैलियन होता है, कि मैं बहुत ही बड़ा मतलब दो वर्ल्ड कप आपके जिता चुके हैं, पाकिस्तान के नागरिक बन चुके हैं। पाकिस्तानियों ने बोला कि भैया जो वर्ड है इसका मतलब आपका रेसिस्ट होता है, तो इन्होंने ईशांत शर्मा वगैरह पर इल्जाम लगाए, बट बाद में ये मान गए कि नहीं इनका मतलब आपका वो नहीं था, ठीक है। करेंसी स्वैप विद सार्क नेशन, करेंसी स्वैप का मतलब क्या होता है, बहुत बढ़िया अग्रीमेंट है, अमेरिका जैसे देश के साथ हो जाए तो मजा ही आ जाए आपका। करेंसी स्वैप का मतलब क्या है कि करेंसी में जो आपका एक्सचेंज रेट है ना उसको एलिमिनेट करने के लिए, कि आज रेट कुछ और है आज कल आपका रेट कुछ और है, ठीक है। जैसे कई लोग क्या बोलते हैं कि आप अभी के लिए टोकन अमाउंट दे जाइए, आपका इतने पे प्राइस हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम कुछ पैसा हमें श्रीलंका ने दे दिया, कुछ पैसा हमने अपना श्रीलंका को दे दिया उसके इक्विवेलेंट, कि ठीक है इतने रेट पे हम एक्सचेंज अभी के लिए कर लेते हैं आने वाले टाइम पे, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो ना प्रॉब्लम आपका हमें यहां पर आए, ठीक है।
ना कि आप ना ना कि आपको प्रॉब्लम आए ना कि फिर हमें प्रॉब्लम आए। अमेरिका से कर लेंगे तो क्या होगा, अगर डॉलर 70 रुपए का है बेटा, 70 रुपए की बजाय इधर अगर हम देखें डॉलर 70, और अगर दूसरी साइड हम जाकर देखें आपका डॉलर आपका अगर 80 हो जाता है तो अपने को कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। अगर हम लोगों ने एक काम कर दिया क्या आपका, अगर हम लोगों ने क्या काम कर देते बेटा आपका, अगर हम एक्सचेंज रेट को फिक्स कर लेते। इंडिया ने किसके साथ किया, आपके श्रीलंका के साथ, पूरे सार्क नेशन के साथ 2 बिलियन का फंड इंडिया ने रख लिया यहाँ पर। तो आपको याद रखना है इसके अंदर कि आपका अभी हमने श्रीलंका के साथ ऐसा किया है, जापान के साथ ऑलरेडी हम एक बार कर चुके हैं। सूर्योदय का देश है भैया जापान आपका, ठीक है। सार्क, बिम्स्टेक, एशियन, एपीईसी, G7, G20, ब्लू डॉट नेटवर्क, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको एक बार करा चुका हूँ, ठीक है। चलिए, आयुष्मान भारत की सेकंड एनिवर्सरी हो गई आपकी, 5 लाख रुपया प्रति परिवार आपको मिलता है, 60-40 आपका सेंटर स्टेट इसके अंदर आपका आपस में कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 23 सितंबर को इसको 2 साल आपके कंप्लीट हो गए, आपका 3 दिन आपके हॉस्पिटल से पहले के, 15 दिन हॉस्पिटल के बाद के, सब कुछ इसमें कवर होता है आपका। 15,500 करोड़ लोग 500 करोड़ इसमें लग चुका है आपका, और 1.26 करोड़ की यहाँ पर हम बात करें तो आपका कैशलेस ट्रांजेक्शन यहाँ पर हो चुके हैं, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा मिल चुका है। परमानेंट कमीशन ऑफ वुमेन में आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन क्या बोलता है अपने को, कि अब जो है महिलाओं को भी परमानेंट कमीशन में इंक्लूड किया जाएगा, ताकि उनको भी क्या मिल सके, आपकी पेंशन, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स एंड सरफेसी एक्ट, कोऑपरेटिव बैंक्स वो होते हैं भैया जो आपके किसी एक सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए बनाए जाते हैं, इनमें भी आपका सरफेसी एक्ट अब लग जाएगा। मतलब कि एक बदमाश बैंक आपका आरबीआई ने लाइसेंस दिया अलग बैंकों को, जो कि आपके बैंकों के बेकार लोन को क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, ठीक है। असम गैस लीक हो चुका है, होप मिशन हो चुका है, टियान वेन वेन आपका हो चुका है ऑलरेडी आपका, प्रेजर्वेंस भी मैं आपको करा चुका हूँ, मार्स रेड प्लेनेट, फेमस वुमेन ये भी आपका हो चुका है, ठीक है। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक 76 है, नंबर 1 पे आपका डेनमार्क है आपका। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में आपका नंबर 1 पे कौन है आपका, जापान, 84 पे आपका इंडिया आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दैट्स गुड कैप्टन अमेरिका, ठीक है। देखो, अगर आप किसी भी टॉपर से पूछोगे ना कि व्हाट इज द की टू गेट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, जीके में बेटा 2 ऑप्शन में जब बच्चा कंफ्यूज होता है तो वो उसी की समस्या ही होती है कि रिवीजन आपका कम होता है, ठीक है। तो रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अगर किसी ने भैया सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए, आई होप हमारे एफर्ट आपको थोड़ा मदद दे रहे होंगे एग्जामिनेशन में। चलिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हो गया, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क हो गया आपका, इंडिया का रैंक आपका 5, जापान का आपका फर्स्ट हो गया, ग्लोबल टैलेंट में आपका स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, इंडिया आपका 72nd पे, आपका ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट में इंडिया का 8th रैंक, यूएस का आपका फर्स्ट रैंक, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में आपका WHO, यूनिसेफ, लेंसेंट, मेडिकल जर्नल के अंदर आप इसको निकालते हैं आपका, इंडिया का आपका 77, नॉर्वे आपका नंबर 1 पे, ठीक है। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में इंडिया 3rd पे, चाइना नंबर 1 पे, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया 144, सबसे फाइन कौन है आपका, फिनलैंड, ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया 74, स्वीडन आपका नंबर 1 पे, स्वीडन नॉर्वे लिख लेना कौन कौन से पे आपका नंबर 1 पे आते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। चलिए गाइस, ओके आपका हो गया है, अभी होल्ड कीजिए एक बार, होल्ड ऑन फॉर अ मिनट गाइस। आई थिंक मैंने सारा लगभग रिवाइज करा दिया है, एमसीक्यूज को छोड़ के, राइट, एमसीक्यूज को छोड़ के पूरा रिवाइज हो चुका है ना, डिफेंस वाला भी हो गया शायद से, मैंने आपको रिवाइज करा दिया ना, एक पीडीएफ जो है वो मैंने आपको रिवाइज नहीं कराई है, जो मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। डू वी नीड टू रिवाइज दैट ऑल्सो, 300 पेजेस का वीडियो का लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, मैंने ग्रुप्स में शेयर कर रखा है,
ठीक है। That's good, Captain America, ठीक है। Sports and awards already cover up मैंने कर रखे हैं sports and awards guys। ठीक है, I'll take the another lecture जो आप लोगों का बचा हुआ है, जो revision वाले module है ना उनको मैं telegram group पे डाल रहा हूँ। पहले एक चीज सुनो ध्यान से, जो revision वाले module है उनको मैं telegram पे डाल रहा हूँ अभी के अभी, और sports भी उसके अंदर मैंने cover कर रखा है। कल क्लास नहीं लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। स्पोर्ट्स करें, स्पोर्ट्स करना है गाइस, क्या बोलते हो? स्पोर्ट्स करें डिस्कस वन लास्ट टाइम, स्पोर्ट्स कर लेते हैं डिस्कस फिर। हाउ मेनी ऑफ यू आर इन फॉर द स्पोर्ट्स? बेटा सारी चीजें ना मैंने कर रखी है ऑलरेडी कवर, और स्पीड में कर रखी है। ओके 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 ओके, गिव मी 5 मिनट ब्रेक, अभी मैं टी ब्रेक ले लूं थोड़ा सा। टी ब्रेक ले लें थोड़ा सा, अभी मैं आपको बिग बुल ब्लास्टर का इसके अंदर स्पोर्ट्स वाला पोर्शन भी कर देते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स वाला जो पार्ट है वो मैं निकाल देता हूँ एक बार, और फिर हम स्पोर्ट्स करना शुरू करते हैं, ठीक है। नोबेल अवार्ड सारे कर रखे हैं सबने, पांच मिनट दे दो चाय पीने के लिए, ठीक है, चाय पी लेने दो भाई। जीआई टैग ऑलरेडी कवर्ड है, जीआई टैग ऑलरेडी कवर्ड है, रिवीजन मॉड्यूल भेज दूंगा मैं सारे।
ओके गाइस, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस। चलिए स्टार्ट विद इंग्लिश बिकॉज़ इट्स अ लिटिल बिट लेंथी एंड नीड मेंटल कंसिलिएशन बिफोर डू इट लेटर देन आवर माइंड विल गेट। वन साइज डज नॉट फिट ऑल। सबसे पहले नंबर कलेक्ट करना सीखो पेपर में बेटा। सबसे पहले नंबर लेने हैं एग्जाम में, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल गेट दी नंबर्स और उसके बाद आप और कुछ चीज सोचिए। अगर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है, आप कभी गलती नहीं करते, डू दैट, ठीक है? अगर आपका लीगल जो लीगल और जीके है वो हमेशा सबसे जल्दी हो जाते हैं, 40 मिनट में आपका आधा पेपर खत्म हो जाता है, साइकोलॉजिकली भी अच्छा रहता है, ठीक है? चलिए गाइस, शैल वी स्टार्ट? टाइप यस। आदि किया तो है तुम्हारा रिप्लाई मैंने, तीन चार बार तो यही लिख दिया। सर क्लैट सैंपल पेपर करा दो प्लीज, पता चल जाएगा जी कितनी प्रिपरेशन है। वो तो बेटा खुद से भी कर सकते हैं ना, अभी केसेस केस बाय केस कर लेते हैं। जो पूरा रिवीजन मॉड्यूल है वो मैं शेयर भी कर दूंगा। बिल्कुल मिलने वाला। चलिए चलिए स्टार्ट। चलो ओके नेक्स्ट देखते हैं बेटा। फीफा वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। फीफा फीफा की फुल फॉर्म क्या? आपका फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। मोटो क्या है इसका? आपका यहाँ पर फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड, ठीक है? फीफा वाज फाउंडेड ऑन 21 मई 1904 एट पेरिस। पेरिस के अंदर बना था। अभी हेडक्वार्टर इसका किधर है आपका? स्विट्जरलैंड के अंदर। लेटेस्ट वर्ल्ड कप आपका 2018 के अंदर हुआ था। इट वॉज हेल्ड इन रशिया। पहली बार आपका ईस्टर्न यूरोप में क्या हुआ आपका वर्ल्ड कप, यानी कि ईस्ट यूरोप के पार्ट में पहली बार आपका वर्ल्ड कप हुआ। वैसे आपका कभी आज तक रशिया में वर्ल्ड कप आपका नहीं हुआ था। 21st वर्ल्ड कप था। 2018 में हुआ क्या? फ्रांस ने क्रोएशिया को हराया। क्रोएशिया आपकी एक अंडर डॉग की तरह थी। टॉप स्कोर में कौन थे आपके? हैरी केन। हैरी केन ने आपका कितने गोल किए थे आपके? टोटल 6 गोल इस आदमी ने किया आपका। उसके बाद बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसको मिला आपका? ल्यूका मॉड्रिक। ही इज द मिडफील्डर ऑफ क्रोएशिया, क्रोएशिया के मिडफील्डर। फैक्ट अगर हम देखें आपके, सबसे अधिक आपके वर्ल्ड कप किसने जीते हैं फुटबॉल के? ब्राजील ने, ठीक है? जर्मनी और इटली आपका चार चार बार जीत चुके हैं। अर्जेंटीना और उरुग्वे फ्रांस आपके दो दो बार। मैक्सिमम गोल आपके किसने किए? पहले ब्राजील से, ठीक है? 2022 का जो वर्ल्ड कप है वो काफी इंपॉर्टेंट अपने लिए। 2022 में जो है वो आपका 22nd वर्ल्ड कप है। 2020 फीफा वर्ल्ड कप विल बी 2022 आपका फीफा वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन कतर। दिस विल बी द सेकंड वर्ल्ड कप इन एशिया आफ्टर 2002। आपके 2002 के बाद आपका पहली बार क्या हो रहा है आपके एशिया में वर्ल्ड कप, यानी कि दूसरी बार आपके एशिया में वर्ल्ड कप हो रहा है। दिस विल बी द फर्स्ट वर्ल्ड कप एवर हेल्ड इन द अरब वर्ल्ड। अरब में आपका पहली बार द गेम विल बी प्लेड फॉर 28 डेज ओनली। सिर्फ 28 दिन के अंदर आपका गेम होगा। यहां पर मैच जो खेला जाएगा वो 18 दिसंबर को खेला जाएगा आपका कतर नेशनल डे वाले दिन। यूजली आपका समर में होते हैं बट अब की बार विंटर में आपका होगा। 32 टीमें इसके अंदर डेजिग्नेट होंगी जो खेलेंगी। टूर्नामेंट विल बी हेल्ड ऑन 8 ग्राउंड्स इन 5 सिटीज। आपके 8 ग्राउंड पे खेला जाएगा जो आपके 5 शहरों के अंदर है। इसका लोगो भी आपका 8 जैसा है। वैसे शॉल है जो आपकी दी जाती है इन द रिस्पेक्ट ऑफ पीपल, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं आपका। ओके चलिए यहाँ पर देख लेते हैं बस आपका ये। इसके बाद मैं ओवर कर देता हूँ, ये समझा के मैं ओवर कर देता हूँ। आई एम गोइंग टू लीव इट अप टू यू गाइस। कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो आई विल सेंड यू द नोट्स, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो आई विल सेंड यू द नोट्स। अभी के लिए बस इसको खत्म कर देते हैं आपका सिर्फ स्पोर्ट्स करके, फिर उसके बाद टाटा बाय बाय, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। दिस विल बी 23rd वर्ल्ड कप यूएसए मैक्सिको कनाडा में होगा आपका। 48 टीम्स यहाँ पर खेलने वाली है आपका। मैक्सिको में आपका तीसरी बार वर्ल्ड कप हो रहा है, पहली कंट्री ऐसी बनेगी। 2030 में जो आपका वर्ल्ड कप होगा वो आपके 100 साल पूरे हो जाएंगे। इंडिया फीफा की बात करें तो आपका बाय एनुअल 2000 अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप आपका इंडिया में होने वाला था जो आपका पोस्टपोन हो चुका है। अब वो 2021 में होगा। सुनील छेत्री आपके दूसरे नंबर पर आते हैं पूरी दुनिया के अंदर एक्टिव फुटबॉलर्स में गोल करने के अंदर। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के आपके कहां पर है? फीफा की काउंसिल में। आईसीसी ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं तो आपका आईसीसी कप बना था 1909 के अंदर। द टूर्नामेंट वाज स्टार्टेड इन 1975, चार साल बाद होता है। 2019 का जो वर्ल्ड कप है इयान मॉर्गन की कैप्टनसी में किसने जीता आपके? इंग्लैंड ने बाय द मैक्सिमम बाउंड्री। रोहित शर्मा ने सबसे अधिक रन बनाए। मिचेल स्टार्क ने सबसे अधिक लगातार दूसरे वर्ल्ड कप में आपकी विकेट ली। दिस द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम होस्ट कंट्री हैव वन द वर्ल्ड कप। 11, 15 और 19 में लगातार जिस देश में हो उसी देश ने आपका वर्ल्ड कप जीता है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। 1975 से 2023 वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन इंडिया, ठीक है?
आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप आपका 2007 में स्टार्ट हुआ, इंडिया ने जीता था सबसे पहले, सबसे अधिक आपके वेस्ट इंडीज ने जीता, दोनों बार कैप्टन आपके डेरन सैमी, ये जो आपके आजकल न्यूज में भी थे आपके, द लेटेस्ट एडिशन वाज इन 2016, आपका नेक्स्ट एडिशन लाइकली टू गेट पोस्टपोन्ड कैंसिल व्हिच इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन 2020 इन ऑस्ट्रेलिया, 2020 में आपका ऑस्ट्रेलिया में होना था, 2021 में इंडिया में होगा, 2022 में वापस आपका ऑस्ट्रेलिया में, ये आपके ब्रेथवेट है जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था, 2007 में इंडिया जीता था, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 19-21 तक चलेगी, हर टीम जिसके अंदर आपका छह अदर टीम्स इसके अंदर होंगी, छह आपकी अदर टीमों से खेलेंगी, तीन अपने घर पे मैच, तीन आपके बाहर मैच, चेतेश्वर पुजारा भाई साहब भी हैं, टेन्योर जो आने वाली है 2019-21 पहली है, 2021-23 तक आपकी नेक्स्ट आने वाली है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसके अंदर आपका, Which of the following is the oldest ICC World Tournament? इनमें से कौन सा सबसे पुराना आपका ICC का टूर्नामेंट है, ठीक है, ICC Women World Cup जो है वो सबसे पुराना है, 1973 में आपकी महिलाओं ने सबसे पहले आपका वर्ल्ड कप खेल लिया था, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा आपका ICC, सारे टिप्स दे दूंगा अभी, बस 10 मिनट का रह गए, 10 मिनट लेक्चर लगा लो उसके बाद सब करा दूंगा मैं, 10 मिनट चुप हो जाओ, 10 मिनट के बाद आपको समझा रहा हूँ सारा कुछ, ठीक है, महिलाओं का वर्ल्ड कप 1973 में स्टार्ट हुआ, 11 वर्ल्ड कप आपके आज तक हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया ने सबसे अधिक 6 जीते हैं, न्यूजीलैंड आपका 2021 के अंदर आपका वर्ल्ड कप होगा, आपकी इंडिया की कैप्टन कौन है, मिताली राज, आईसीसी वुमेन, टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इंडिया की कैप्टन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, स्मृति मंडाना नहीं है, कौन है आपकी, हरमनप्रीत कौर, ठीक है, स्मृति मंडाना लेफ्ट हैंडेड ओपनर इंडिया की, मेगन स्कूट ने सबसे अधिक विकेट लिए, मैकग्लेनिंग ने सबसे, मैकग्लेनिंग इनकी कैप्टन थी, बेथ मूनी ने सबसे अधिक रन आपके बनाए थे टी20 वर्ल्ड कप के अंदर, आपके 7 बार टूर्नामेंट हो चुका है, 5 बार आपका ऑस्ट्रेलिया जीता, इंडिया इसके अंदर हार गया आपका फाइनल मैच के अंदर, ठीक है, आईसीसी के अवार्ड देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेन स्टॉक का आपका क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आपके टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पैट कमिंस, ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, पैट कमिंस को आपका केकेआर ने खरीद रखा है, केकेआर माने तो आपका केकेआर क्या होता है, आपका कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है, ठीक है, आईसीसी अवार्ड की बात करें तो परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर दीपक चार ने 6 विकेट ली थी, उसमें शिवम दुबे ने भी 3 विकेट लिए थे, आपके आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर मैग्नस क्लेबुस्टेंग बढ़िया प्लेयर हैं आपके, स्टीवन स्मिथ की जगह पर आए थे, एसोसिएट प्लेयर ऑफ द ईयर काइल कोर्जर स्कॉटिश बैट्समैन है आपके, आपके विराट कोहली को भी अवार्ड मिले, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट 11 का कैप्टन, वर्ल्ड ओडीआई का कैप्टन कौन बने आपके, मिस्टर विराट कोहली, अंपायर कौन रहे आपके, रिचर्ड लिथेंगो, ठीक है, आईसीसी अवार्ड की बात करें महिलाओं को भी अवार्ड मिला आपका, वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर एलिसी पेरी, ये बहुत ही शानदार प्लेयर है भैया, क्रिकेटर आपकी, ऑलराउंडर है आपकी, वुमेन्स टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर एलिसा हेली, ये जो मिचेल स्टार्क है उसकी बीवी है जिसने आपके सबसे अधिक विकेट लिए थे, ठीक है, वुमेन डे वाले दिन वर्ल्ड कप हुआ था, बिल्कुल सही है आपका, वुमेन इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चनिंदा सुथिरवांग है आपकी, ये थाईलैंड से है, ठीक है, और थाईलैंड की टीम ने ऑलमोस्ट आपका बहुत मतलब स्टेलर परफॉर्मेंस था उनका आपका अगेंस्ट पाकिस्तान, वो ऑलमोस्ट जीत जाते बट बीच में मैच में बारिश आ गई, ठीक है, भारत एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है, डन, टेनिस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है आपका, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वॉज फाउंडेड ऑन 1 मार्च 1913 आपका, ग्रैंड स्लैम्स की अगर हम बात करें तो ग्रैंड स्लैम आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और आपका यूएस ओपन, बीच वाले दोनों उड़ चुके हैं, फ्रेंच और विंबलडन अब की बार आपके नहीं हुए, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन आपको याद रखना है, यूएस ओपन में कौन जीता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं, ठीक है, ग्रैंड स्लैम क्या होता है आपका, अगर आपको चारों के चारों टाइटल आप एक साल में जीत जाते हो उसको ग्रैंड स्लैम बोलते हैं, जिस साल में वर्ल्ड कप है उस साल में अगर आप सॉरी जिस साल में आपको ओलंपिक है उसमें ओलंपिक में भी आप गोल्ड जीत जाओ तो उसको गोल्डन स्लैम बोलते हैं, ग्रैंड स्लैम क्या होता है आपका, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम आपका 108 एडिशन हुआ आपका, मैन सिंगल जीता नोवाक जोकोविच ने, वुमेन सिंगल जीता सोफिया केनिन ने, और यहाँ पर क्या हुआ आपका बुश फायर की वजह से यहाँ पर कोलास की डेथ हो गई थी जिसकी वजह से आपका धुआं हो चुका था आपका भैया आपके ग्राउंड पे भी, और आपके मेडिकल ब्रेकआउट दिए गए, डेलिला जाकोपोविच तो बेहोश हो गई यहाँ पर, खांसी का दौरा इनको पड़ा था आपका, बाकी ग्रैंड स्लैम आपके कैंसिल हो गए थे बट यूएस ओपन फिर से हो गया आपका, ठीक है, रोजर फेडरर ने सबसे अधिक आपके आज तक ग्रैंड स्लैम जीते हैं, सेरेना विलियम आपका महिलाओं में जीते हैं, उसके अलावा आपका राफेल नडाल जो है ये आपका जो फ्रेंच ओपन है सबसे अधिक वो इन्होंने ही जीता है, ठीक है, ओलंपिक की बात करते हैं आपके 32nd ओलंपिक जो है वो आपके ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ कर दिए गए 2021 में, अब आपके होने वाले हैं 4 टाइम आपके ओलंपिक क्या हुए हैं पोस्टपोन या फिर आपके कैंसिल कर दिए गए, मॉडर्न ओलंपिक 1896 में स्टार्ट हुए थे, समर यूथ ओलंपिक जो है डकर के अंदर जो होने वाले थे ये भी क्या हो चुके हैं आपके अब कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, सबसे पहले कहां पर हुए थे आपके 2012 में इंसबर्ग में आपके विंटर हुए थे, 2010 में सिंगापुर में आपके पहले हुए थे, आपका लेटेस्ट कहां पर हुआ था 2018 अर्जेंटीना के अंदर जिसमें भारत ने 13 मेडल जीते थे, ठीक है, आपका विंटर यूथ ओलंपिक देखें तो ये लॉसन स्विट्जरलैंड के अंदर आपका 2020 के अंदर हुआ आपका, और
वैसे तो आपका मतलब इसके अंदर आप देख लीजिए कि इसमें किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया इंडिया की तरफ से, आपका रशिया इसमें आपका टॉप पे आ गया, ठीक है। अगले कहाँ पर है गैंगवॉन 2024 के अंदर, ठीक है। और नेशनल स्पोर्ट्स डे इंडिया का 29th August, टिल नाउ 28 मेडल इंडिया ने जीते हैं, एकमात्र आपका अभिनव बिंद्रा ने इंडिविजुअल मेडल जीता, बाकी सब आपके हॉकी ने जीते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट आपका ओलंपिक अभिनव बिंद्रा आपका 2018 में, अपकमिंग ओलंपिक बीजिंग में, 2022 में, 24 में पेरिस में, 26 में आपके मिलानो कोर्टिना, कहाँ पर आपके इटली के अंदर, 2028 में बेटा आपका लॉस एंजलिस के अंदर है। आपका कौन से ईयर में टेररिस्ट अटैक हुआ था आपका 1972 के अंदर, ठीक है, 11 एथलीट्स को आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, द अवार्ड मनी 7.5 लाख, अब सॉरी ये अब आपको करेक्ट करना है, अवार्ड मनी अब आपका 7.5 लाख नहीं है, ये कितना हो चुका है आपका जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में मुझे, 7.5 लाख नहीं है, कितना हो चुका है, दिस इज द बेनिफिट ऑफ लास्ट टाइम रिविजन, जल्दी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा आपका इसके अंदर, देखो जिसने पढ़ रखा ऑलरेडी उसको फायदा होगा बेटा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है बाद में, ठीक है। इधर देख लीजिए फटाफट, दीपा मलिक बजरंग पुनिया को आपका लास्ट खेल रत्न पुरस्कार आपका मिला था, दीपा मलिक आपकी दूसरी ही पैरा एथलीट है जिनको ऐसा अवार्ड मिला, इससे पहले आपके कौन थे आपके देवेंद्र झांझरिया भाई साहब को आपका अवार्ड मिला था, ठीक है। आपका 1991-1992 में शुरू हुआ था, सबसे यंगेस्ट आपके अभिनव बिंद्रा को मिला है, ठीक है। और आपके बजरंग पुनिया आपके रेसलर है जिनको आपका ये आपकी बार मिला था लास्ट टाइम। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स आपके 1930 में आपके शुरू हुए, तो बिल्कुल 25 लाख का अमाउंट है भाई आपका, 1942 एंड 1946 में आपके वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से कैंसिल हो गए थे, लेटेस्ट एडिशन 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुआ था और 2022 में बर्मिंगम में होगा। टोटल 71 कंट्रीज आपका खेलती हैं, बट कॉमनवेल्थ में आपकी 54 कंट्रीज हैं। एशियन गेम्स 1951 में इंडिया में शुरू हुए थे, सबसे लेटेस्ट आपके 2018 में आपके कहां पर हुए थे, ये हुए आपके जकार्ता एंड पैलम बैंक के अंदर, 19th आपके चाइना में होंगे, 20th आपके नागोया जापान के अंदर, 1982 में आपके इंडिया में दूसरी बार हुए थे, ठीक है। चलिए ओके, सो आई थिंक वी शुड स्टॉप नाउ, अभी हमारा बहुत सारा रिवीजन हो चुका है एंड आई एम गोइंग टू सेंड ऑल द पीडीएफ, सारी की सारी पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में भेज रहा हूं, अगर कुछ भी अब कराने लायक हुआ तो सिर्फ मैं आपको वीडियोस का भेज दूंगा, ठीक है। एंड हेयर इज द लास्ट मिनट टिप ये है कि आपने जीवन में जरूर कुछ ना कुछ आज तक अच्छा किया होगा, आपने जरूर पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में या फिर ह्यूमैनिटेरियन आपने कोई ना कोई काम किया होगा, उस काम को याद करें एग्जाम में जाने से पहले। और एग्जामिनेशन में याद रखिए, जितनी मर्जी बार सिलेबस बदला, जितनी मर्जी बार चीजें बदल गई, बट पेपर देने वाले बेटा आपके नहीं बदले हैं, वही भारतीय लोग अब की बार आपका पेपर देने के लिए जा रहे हैं। एग्जाम में यूजली वो बच्चे आगे निकल जाते हैं जो मेंटली थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, मेंटल टफनेस आपका रोल प्ले करेगा बेटा यहाँ पर ज्यादा। आप मेंटली कैसे टफ हो सकते हैं, यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग, आपको आर्ट ऑफ लिविंग का, आर्ट ऑफ लिविंग वो बाबा वाली नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, लीव यानी कि छोड़ने वाली, क्वेश्चन के ऊपर दिल ना लगाना, आपको याद रखना है ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सब सवाल के आपके नंबर सेम है। और कभी भी जीके के अंदर आप कॉम्प्रिहेंशन को मत पढ़िए, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, अगर आपने क्वेश्चन आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है डू दैट, और उसके बाद आप एक बार नजर मार लीजिए आप कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर राइट डाउन द कीवर्ड्स, आपको कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं, आपके कीवर्ड मतलब क्या रहे, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, अगर आपको लग रहा है नहीं आता टॉपिक पढ़ा हुआ है, नेवर एवर ब्लफ, पेपर अगर डिफिकल्ट भी आता है तो वो अच्छी बात है, आपको वहां पर फायदा मिल जाएगा, बिकॉज यू गाइस हैव स्टडीड वेल, तो आपको ब्लफ नहीं करना है, किसी टीचर ने बोल दिया कि 100+ तो जरूरी है नंबर आना, यू नेवर नो, डेफिनेटली 100+ एक साइकोलॉजिकल मार्क आपको देगा। ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भैया, पेपर डिफिकल्ट भी आ सकता है। एक बार मेरे ख्याल से 2014 का SSC का पेपर था, एक बच्चा मेरे पास लेकर आया था, I was like a dude, मतलब कि मैंने बोला कि अरे ला इसका मैथ तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, उसकी कट ऑफ जो थी ना 200 नंबर में से 74 मार्क्स ही गई थी, बाकी सबका आपका 110 का था। मैंने मैथ उठाया ना, पहला सवाल मैंने बोला मैं शॉर्टकट से कर दूंगा, मेरे से नहीं हुए पहले 3 सवाल हवाबाजी में आकर, तो हवाबाजी नहीं दिखानी बेटा बिल्कुल भी उधर, ठीक है। हाँ अभी और नहीं कराऊंगा मैं आपको कुछ भी, सारी बिल्कुल सही है, आपको दिल नहीं लगाना किसी भी सवाल से, और आसपास चाहे आपके कितना ही कोई अट्रैक्टिव व्यक्ति बैठा हो उससे भी दिल नहीं लगाना है, ठीक है।
क्योंकि दुनिया आएगी जाएगी भैया, ठीक है। तो वैसे दिस इज नॉट माई प्लेस टू से दिस, बट एग्जामिनेशन में इधर उधर मत देखना। अगर आपने पूरा साल मेहनत की है, लास्ट के 3-4 महीने अपने आपको आपने ग्रिल किया है, आपने अलग अलग जगह पर जाकर फ्री का भी पैसे देकर भी कोचिंग में आप गए हैं, और कोचिंग से ग्रज मत पालना अपनी, ठीक है। चाहे आपका कोचिंग कैसा ही था, ठीक है, बस आपका किस्मत में था वहां पर पैसा देना, आप दे चुके हैं, आपको पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया, कोई बात नहीं, आपके लिए जितना मेहनत, जितना भगवान को जितना करना था भैया आपके लिए कर चुका है। अब आपकी मेहनत जो है वो कल आपको जवाब दे देगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सही बता रहा हूँ, क्लैट में आपका रिजल्ट कैसा रहेगा, आपके प्रति जो प्यार है और सम्मान है वो मेरी तरफ से हमेशा रहेगा, ठीक है। आप जो मर्जी करो पेपर में, आप, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छा करेंगे, और आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी करके आओगे तो स्टिल आई विल बी देयर, ठीक है। हाँ, पेपर में नहीं पढ़ोगे, मतलब जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो ना, तो सबसे ज्यादा डांट मैं ही मारता हूँ, ठीक है। तो जितने भी लोग मुझे जानते हैं सबसे ज्यादा मैं ही डांटता हूँ, बट आफ्टर योर एग्जामिनेशन इज ओवर डजंट मैटर, आप बच्चे हो, आप बच्चे ही रहोगे हमेशा। आपको बिल्कुल प्यार से पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, किसी से भी इधर उधर नहीं देखना है, कोई भी नेगेटिव आदमी आसपास दिखे तो भैया भाग जाना, या आपको नेगेटिव लगता है कोई टीचर आपका खड़ा हुआ है तो भाग जाओ, साइड से हट जाओ। और पेपर खत्म होने के बाद भगवान को, मोदी को, दोस्तों को, जिससे प्यार था उसको, किसी को भी हमें दोष नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। आई होप आप सब लोग जो हैं, आप सब लोगों ने अपनी तैयारी अच्छे से कर ली है, आप पूरा अपना जो जो डिटेल्स वहां पर मांगी गई हैं कि भैया क्या क्या चीजें आपको रखना है, शूज डालना है नहीं डालना है, सारी चीजें आप अभी के लिए अभी तैयार कर लीजिए। एंड इफ यू आर इन जयपुर, तो जयपुर में हम किसी ना किसी सेंटर पे आपको जरूर मिलेंगे अपने बच्चों को। अभी पढ़ाई वढ़ाई मत करना, और कोई भी सीजन मत देखना, कोई भी नए व्यक्ति से बात मत करना, कहीं दिल में जुर्जुरी हो रही हो कि लास्ट डे है बात कर लेते हैं, अभी नहीं पेपर के बाद, ठीक है। पेपर के बाद बात करना है, जहां भी घर बसाने का मन है, अब तो घर बसाने का समय आ गया तुम सब लोगों का, तो इसके बाद बसा लेना, ठीक है बेटा। और जिनका महाराष्ट्र सीटी का है, डू नॉट वरी, 2 दिन तक हम अपने गले को रेस्ट देने वाले, 2 दिन के बाद फिर हम वापस आपकी मदद करेंगे, ठीक है। एटलीस्ट 2020 को हमने प्रॉमिस किया था कि जितने लो एग्जामिनेशन है सब में मदद करेंगे। आई होप हमारे एफर्ट से आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। सर हेल्थ डिक्लेरेशन, ठीक है, कर्नाटका बंद, प्लीज प्रे टू गॉड दैट ऑल कर्नाटका स्टूडेंट रीच द सेफ। यस, आई प्रे टू गॉड कि सब लोग जो हैं वो अपना पेपर दे पाए, किसी को भी कोई बीमारी ना लगे। और भैया प्लीज सैनिटाइजर वगैरह अपने पास रखना, सेंड इट ऑन टेलीग्राम, बिल्कुल भेज देते हैं अभी के अभी। एंड वी हैव द सेम लव फॉर यू गाइज, सेम प्यार आप लोगों के लिए रहेगा, सेम सम्मान आपका रहेगा। आशा करता हूं कि आप सब अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है, आप सब बहुत अच्छा परफॉर्म करें, आप सब अच्छे से अच्छे कॉलेज में पहुंचे, जो कॉलेज आप डिजर्व करते हैं उससे भी अच्छे कॉलेज में आप लोग पहुंच जाएं, ऐसा मेरा प्रार्थना है। अगर भगवान है तो सुने, और आप सब अच्छी जगह पर पहुंचे। ये बेटा करने के लिए वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, आई यूजली डोंट डू दीज थिंग्स, बट मुझे लग रहा है कि कल करना पड़ेगा। You guys are truly brilliant. आप लोगों ने जो प्यार दिया है, हम कृतार्थ हो गए हैं, मतलब हमें बहुत खुशी है। We never imagined कि हम लोग सब लोगों की इतनी मदद कर पाएंगे, and we started it like कि ठीक है एक बार पढ़ा देते हैं YouTube पे भी जाकर। कुछ बच्चों ने बोलता कि सर YouTube पे भी आप पढ़ा दीजिए, and we started teaching, ठीक है। And you guys give us amazing love. आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया है, एंड वी आर रियली ग्लैड कि लगभग आप लोगों अभी लगभग 2-2.5 महीने ही हमने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, और 2 लाख के आसपास आप लोगों ने हमारी 2 लाख व्यूज है हमारी वीडियोस पे, ठीक है। एंड वी हैवंट प्रमोटेड एनीथिंग, थैंक यू सो मच।
कल का क्लास नहीं होगा, कल कुछ इंपॉर्टेंट मुझे दिखेगा तो मैं आप लोगों को नोट से भेज दूंगा, ठीक है? और दिल में कोई किसी भी कोचिंग के प्रति, टीचर के प्रति किसी का मजाक नहीं बनाना है, कुछ भी ऐसा हमें नहीं करना है सच, ओके? ओके ओके ओके, आई एम रियली हैप्पी आप लोगों को हमारे एफर्ट पसंद आए. थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग लव. थैंक यू सो मच गाइज, वी आर रियली ग्लैड कि हम आपका मदद कर पाए. अभी आप सबसे निवेदन है कि अपने परिवार के साथ समय बिताएं, कोई और नया मित्र ना बनाएं, ना महिला ना पुरुष मित्र, ठीक है? अभी आप एंजॉय कीजिए और आपने जैसा पेपर अब तक अटेम्प्ट किया है वैसे ही आप अटेम्प्ट कीजिए पेपर को, ठीक है? शिवांश डरना नहीं है, वी आर ऑलवेज हियर. शिवांश बिल्कुल भी नहीं डरना है बेटा, एग्जामिनेशन है आपका. आपको कुछ सालों के बाद रियलाइज होगा कि वो सिर्फ एक एग्जाम था. आने वाले कुछ टाइम के बाद आप लोगों को ये चीज समझाओगे. टेंथ और ट्वेल्थ में जो बच्चे थोड़े नर्वस रहते हैं वो आपको बिल्कुल लगता होगा अरे यार ऐसा क्यों डर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला. थैंक यू सो मच दिलीप, थैंक यू सो मच फॉर द ब्लेसिंग्स. एंड टूडे आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट एनी न्यू बैचेस, सो विल बी प्रमोटिंग फ्रॉम टुमारो. पीडीएफ मैं सेंड करवा देता हूं. थैंक यू सो मच फॉर द लव गाइस, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. पीडीएफ अभी सबको भेज देते हैं. थैंक यू सो मच.